जय श्री राम। कि भारत इतना बड़ा और इतना डाइवर्सिफाइड है ना कि अब आपको एक बात बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ इतने आक्रांता आए, इन्वेडर आए, पूरे इंडिया पे कोई अपने एक जीवन काल में शासन नहीं कर सका। औरंगजेब ने थक हार करके तलवार रख दी और उसने, ये डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है, मिलते हैं एविडेंस, कि उसने ये बोला कि भाई पूरे भारत को कब्जे में लेना जो है, इसका इस्लामाइजेशन करना या पूरे भारत को कलमा पढ़ाना इम्पॉसिबल है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तब वो जाके फकीरी करने लगा था लास्ट में और टोपियां वोपियां सिलने लगा था, जो लोग बोलते हैं। जब हार गया तब वो उसने किया था, ऐसे ही नहीं किया था। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ और भी ऐसी पार्टियां हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा विजेता महसूस करती हैं, उन्होंने किया है। जैसे मैं केजरीवाल की बात करूं या ममता दीदी की ही बात करूं, आप आइए ना जरा यूपी में, अपनी पार्टी को एक बार लॉन्च करिए, बिहार में लॉन्च करिए। केजरीवाल साहब यूपी गए थे, पंजाब गए थे, क्या हुआ, कितने दिन आप होल्ड कर पाए और कितनी सीटें आप जीत पाए। इसीलिए मैं बोलता हूं दोनों के लिए ही ये जीत रही है और दोनों के लिए ही किसी न किसी मामले में ये हार रही है। ममता दीदी हार गई अगर अपनी सीट से, तो ये भी हजम होने वाली बात नहीं है कि जो ममता दीदी अपने फेस के दम पे 200 से ज्यादा सीटें निकलवा सकती है, वो अपनी सीट हार जाए। तो माइक्रो लेवल के मैनेजमेंट, और वहां वो 5 दिन रुकी भी थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया था। ठीक यही चीज बीजेपी के साथ हुआ। बीजेपी ने बंगाल में फोकस किया, उतनी सीटें नहीं आई। ममता जी ने अपनी एक इंडिविजुअल सीट पे बहुत ज्यादा फोकस किया, 5 दिन रुकी उसी चीज को लेकर के, लेकिन वो अपनी सीट नहीं जीत पाई। तो दोनों कहीं ना कहीं हारे हैं और कहीं ना कहीं जीते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों के दिमाग में नहीं आ रही है वो ये है, देखिए बीजेपी फाइट करती है आइडियोलॉजी के लिए, इलेक्शन के नारे वगैरह उनके जो है अलग चीजें हैं, लेकिन वो अपनी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इनका आइडियोलॉजिकल राइवलरी जो थी वो सबसे ज्यादा थी कांग्रेस से थी, और बंगाल की अगर बात करें तो मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट वगैरह इन सब पार्टियों से थी। तो इन्होंने किया क्या, इनडायरेक्ट वे में इनके 3 कॉम्पिटिटर थे, आइडियोलॉजिकल कॉम्पिटिटर कांग्रेस थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो उन दोनों को, तो उनकी आइडियोलॉजी को ही खत्म कर दिया बंगाल से। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, आइडियोलॉजिकल विक्ट्री है। भारत में जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त सेंटर ऑफ इंटरनेशनल अटेंशन बना हुआ है कोविड की वजह से भी, और फिर अभी जो रिसेंट में 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, इसको लेके भी खाली भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर है। क्यों है भारत के ऊपर नजर सबकी, क्या ऐसा भारत की वजह है? तो ये शुरू से ही एक इंटरनेशनल अटेंशन रही है भारत के ऊपर सदियों से। दुनिया जहां के काले गोरे ये वो सारे इन्वेडर्स भी भारत की तरफ आए, इनको भारत में एक ऐसी अट्रैक्शन नजर आती है कि और दुनिया में कहीं इनको मिलती नहीं। एक से एक इन्वेडर इस देश में आए, इस देश की हेरिटेज, इस देश की कल्चर, इस देश की दौलत को लूटने के लिए आए, लेकिन आज भी ये देश हरा भरा है और जैसा ये कायम व दायम था, कायम व दायम है और कायम व दायम रहेगा। भारत की पॉलिटिक्स हो, भारत की बीमारियां हो, भारत की आईपीएल क्रिकेट हो, भारत की फिल्म इंडस्ट्री हो, भारत का कुछ भी हो, पूरी दुनिया की कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं से हम भारत के साथ जुड़ जाएं। आज खास तौर पे 2 मुद्दे जो कि इस वक्त भारत में काफी गर्म मुद्दे हैं, एक तो कोविड-19 के हवाले से सूरत हाल जो है और उस पर इंटरनेशनल मीडिया का जो एक नेगेटिव रोल है, और दूसरा है अपना ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट हैं उसके लिए हमने जहमत दी है। आज हमारे भारत देश के एक जबरदस्त एनालिस्ट जो कि अनबायस्ड एनालिसिस रखते हैं चीजों के, जिनकी गहरी नजर होती है हालात के ऊपर, जो कई डिबेट्स में जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुना जाता है और लोग गौर से सुनते हैं कि ये क्या चीज, क्योंकि अनबायस्ड होता है, किसी की सपोर्ट नहीं करते, जो रियलिस्टिक चीजें होती हैं वो सामने रखते हैं। ए के मिश्रा जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नमस्कार एंड वेलकम टू द शो सर। थैंक यू आरएफ सर, थैंक यू। मिश्रा जी शुरू करने से पहले आज की जो दो मेन खबरें हैं उस पर जरा नजर डालें। एक तो ये कि आईपीएल को बैन सस्पेंड किया गया है क्योंकि वाकई हालात खराब होते जा रहे थे। 4 मुख्तलिफ टीमों में आईपीएल के कोविड के केसेस निकले हैं, तो अब मजबूरन ये जरूरी था कि तमाम सेक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए इसको सस्पेंड किया जाए। और दूसरा, कंगना रनावत को ट्विटर ने परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जबकि भारत के खिलाफ बोलने वाले दुनिया के भी मीडिया और भारत के भी कई जर्नलिस्ट गंदी एक मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। मिश्रा जी, मेन टॉपिक्स जो हैं तो उन पे आने से पहले मैं कंगना जी के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कत्ल नहीं है? कंगना जी ने ऐसा क्या कर दिया था? बिल्कुल ही कत्ल क्या, जिसको बोलते हैं कि चौराहे पे करके जो है किसी को कत्ल करना, जो मानव सभ्यता या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का टॉप जो है वर्स्ट केस हो सकता है। मैं बोलना ये चाहता हूं कि अगर आपके शब्दों में गाली गलौज नहीं है या ऐसे शब्द नहीं है जो अनपार्लियामेंट्री है, अनसोशल है, तो आप किसी भी चीज को रखिए, किसी भी चीज को अप्रेस करिए, उसके लॉजिक से सहमत होइए या ना होइए। देखिए आरिफ जी, मैं आपको बताऊं है क्या, स्पेशली अगर सोशल मीडिया की ग्लोबल आप मार्केट देखें तो ये ओलिगोपोलिस्टिक टाइप का मार्केट है, जहां पे 2-4 प्लेयर हैं। 2-4 प्लेयर मतलब फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो मुझे ये लगता है कि किसी एक को बैन कर देना, वो चाहे पक्ष में बोले या अगेंस्ट में बोले, उसके वर्ड्स और सिलेक्शन अगर केयरफुल है तो उसको बैन नहीं करना चाहिए। अगर कंगना रनावत या और ऐसे हजारों लोगों को आप बैन करेंगे, किसी के खिलाफ कोई ऐसा आपत्तिजनक चीज नहीं कर रहा है, एक घटना पे किसी भी चीज पे अगर वो अपनी राय रख रहा है, किसी भी पक्ष को, सिक्के के कई पहलू हो सकते हैं, कई डायमेंशंस हो सकते हैं, तो हो सकता है वो मैक्सिमम डायमेंशंस को कवर करे या किसी एक डायमेंशन पे रखते हैं, तो ये बंद नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, आई एम रियली एस्टोनिस्ड, मैं सरप्राइज हूं इस चीज को लेके कि गवर्नेंस जो है वहां पे बिजनेस के जो रूल्स होते हैं, जो इथिक्स होते हैं, क्यों इन कंपनियों के सामने इतने मजबूर हैं? मान लीजिए इनका हेडक्वार्टर जहां पे है या जिस रीजन में पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जियोग्राफी के लिए अगर इन्होंने बैन किया है, तो गवर्नमेंट को, न्यायालय को, इन सबको भी ये चीजें संज्ञान में लेनी चाहिए, अपने नॉलेज में लेनी चाहिए और वहां पे बोलना चाहिए कि इफ इट इज अ सोशल प्लेटफॉर्म, या तो आप प्राइवेट कर दीजिए इन सब चीजों को कि भाई ये प्राइवेट है, इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है। आप सोशल प्लेटफॉर्म बोलते हैं और आपकी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि किसी सोशल एक्टिविटी या स्टेटमेंट को आप बैन कर रहे हैं, तो आप खुद बायस हो रहे हैं और दुनिया के लीडिंग प्लेटफॉर्म आप है, तो एटलीस्ट इन लोगों को तो बायस नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर है और अच्छे शब्दों में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की छूट आप नहीं देंगे तो फिर किस चीज का देंगे? किसी का गला काटने के लिए आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देंगे? आपको बैन करना है तो हजारों ऐसे मैसेजेस आते हैं जो अनपार्लियामेंट्री लगते हैं किसी भी आदमी, किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, आप उसको बैन करिए ना। घटनाओं में कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। हर आदमी की, पूरी दुनिया में 600 करोड़ लोग हैं, उनके अपने अपने व्यूज होते हैं। अच्छे शब्दों में वो पॉजिटिव बोले या निगेटिव बोले, उसको अप्राइजल करें उसका, या उसको जो है उसकी निंदा करें, ये बात दूसरी है। तो मैं इन सब चीजों का तो बहुत विरोध करता हूं कि एटलीस्ट चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, इनको बैन करने का कोई अधिकार नहीं है सर। सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है, इट इज नॉट ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। बिजनेस का उनका कॉज ही यही है, जब इन्होंने कंपनी रजिस्टर कराई हुई है, ये तो ऐसे ही हो गई कि ब्रेड का एक जो है कोई पीस दुकान पे पड़ा हुआ है, 100-150 पीस पड़े हैं, हम खरीदने के लिए जाए, हमें नहीं मिलेगा जी, बाकी सबको मिलेगा। तो ये तो बिजनेस के इथिक्स के हिसाब से भी ये मतलब गलत चीज हुई ना। तो इन सब चीजों को नहीं होना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, वो चाहे कंगना राउत और रनौत हो। मैं तो विपक्ष को भी बोलता हूँ, उनके भी अगर उनके वर्ड सिलेक्शन और ये सारी चीजें हैं जो कि आपकी मान्यताओं और सिद्धांतों को जो है अगर उस पर अटैक नहीं है तो डेफिनेटली घटनाओं की निंदा करना या प्रशंसा करना, फेवर में बोलना, ये चीजें बैन नहीं होनी चाहिए। मिश्रा जी, आज के जो दो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। पहला तो जैसे इलेक्शन हुए तो हम अगर इलेक्शन के बाद के जो वायोलेंस और चीजें हैं उस पर बाद में आते हैं, पहले तो हम इलेक्शंस के प्योर रिजल्ट्स की तरफ बात करें। तो हम देखते थे कि अमित शाह जी, मोदी जी जब बंगाल में गए वहां पे लाखों लोगों की रैलियां निकाली और एक हवा चली थी और एक जनरल परसेप्शन ये बिल्ड हुआ था कि बंगाल तो गियो और बंगाल तो बीजेपी का हो गया। लेकिन जब हम रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट यह है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ टीएमसी जीत गई, ममता जी की पार्टी। ममता जी खुद अपनी सीट ना बचा सके लेकिन बहरहाल उनकी पार्टी 2/3 मेजोरिटी के साथ आई। ये एक शॉकिंग रिजल्ट था या एक्सपेक्टेड था? ये डेफिनेटली एक मामले में ये शॉकिंग था क्योंकि बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और जितना ये बोलते हैं ठीक है उतना तो बहुत अनरियलिस्टिक था क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ये बंगाल में अपने फुल फोर्स के साथ ये प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट कर रहे थे। इसके पहले इन्होंने कभी नहीं किया था। तो मे बी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको ग्रैंड विक्ट्री मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो ये चूंकि एक ऐसा सिचुएशन था जहां पे कि ये ओवर एस्टिमेटेड 200 का प्लस का जो टारगेट था वो था, ऐसा जो इंटेलेक्चुअल्स है उनको लगता था। लेकिन एक चीज और है, देखिए यहाँ पे खूबी क्या है, सफलता मिले या असफलता मिले, फल देना तो भगवान के काम, भगवान के हाथ में है। गीता में भी तो यही किया है ना कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने कर्म को बेहतरीन तरीके से करिए। आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको 100 में से 100 नंबर मिले, 60 नंबर मिले, वो बात की बात है, लेकिन उस पीरियड में एग्जाम के पहले तक तो जो आपसे बेस्ट हो सकता है आप करते हैं। इस चीज के लिए एप्रिशिएशन जरूर करना चाहिए बीजेपी को कि उन्होंने तन मन धन से फुल इफर्ट वहां पे लिया। इसके लिए तो डेफिनेटली वो प्रशंसा के पात्र है, ये इसमें बोला जाएगा। रही बात रिजल्ट की, नो डाउट इलेक्शन कमीशन ने जो फाइनल रिजल्ट दिया है वो मान्य है। अगर ममता दीदी की जो है 2/3 मेजोरिटी आ गई तो वो माना जाएगा, सरकार वही बनाएगी। दो घटनाएं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। देखिए बंगाल जो है यहाँ पे नेशनल लेवल इलेक्शन के डायनामिक्स, लाइकिंग डिसलाइकिंग वोटर की कुछ और होती है। वही असम जो है नेशनल लेवल का इलेक्शन हुआ था तो बंगाल में इन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की थी, टीएमसी वगैरह साफ हो गई। स्टेट लेवल पे वोटर्स की सारी प्रेफरेंस बहुत चेंज हो जाती है। सर ये ऐसे ही है, जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, बीच चौराहे पे शादी पे जाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, बातचीत का तरीका कुछ और होता है, और आप अपने घर में रहते हैं तो आपके बातचीत का प्रेफरेंस और हर चीज का तरीका अलग रहता है। तो वोटरों के साथ भी यही होता है। 77 सीट लाना ऐसे विकट परिस्थिति में जहां पे कि सारी चीजें आपके अगेंस्ट रही हो और आपका फाइट जो है एक ऐसे पार्टी से रही हो जो कि लगभग 15-20 सालों से वहां घर घर में छाई हुई है। तो ये एक इम्पॉसिबल टाइप का टास्क लगता था अगर इतना इफर्ट नहीं डालते या कोई और पार्टी होती है। आप देखिए सीपीएम वहां पे रही है, सीपीएम कौन बोले गेन करने को वो एकदम से ही जड़ से साफ हो गए। कांग्रेस कौन बोले गेन करने को वो एकदम से ही इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, जो सीट्स उन्होंने जीते हैं एकदम से साफ हो गए। तो जो वहां की बेसिक पार्टियां हैं वहीं से पैदा हुई, वो एक साफ हो गए। और बाहर से कोई आदमी जाकर के वहां पे अगर 77 सीट ले रहा है, 147 जो विक्ट्री का मार्क है अगर उसको देखा जाए तो 50% के आसपास अगर वो सीट ले रहा है तो आप इसको किसी विक्ट्री से कम मत मानिए। पहली चीज विपक्ष के लिए मैं ये बोलूंगा, ठीक है आप जश्न मना लीजिए, खुशी मना लीजिए, ये पार्टी बीजेपी बड़ी होशियार है। 77 MLA इनके जो पहुंच गए हैं विधानसभा में, और 5 साल के बाद देखिएगा ये कैसे स्प्रेड होंगे। मतलब पूरे बंगाल में ये इन 77 लोगों के साथ ये इतना स्ट्रांग होल्ड अपना बनाएंगे ग्राउंड लेवल पे काम करके कि मुझे नहीं लगता है कि आगे के आने वाले इलेक्शंस में कोई स्पेस किसी और के लिए मिलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों के दिमाग में नहीं आ रही है वो ये है, देखिए बीजेपी फाइट करती है आइडियोलॉजी के लिए। इलेक्शन के नारे वगैरह उनके जो है अलग चीजें हैं, लेकिन वो अपनी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इनका आइडियोलॉजिकल राइवलरी जो थी वो सबसे ज्यादा थी कांग्रेस से थी, और बंगाल की अगर बात करें तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वगैरह इन सब पार्टियों से थी। तो इन्होंने किया क्या, इनडायरेक्ट वे में इनके तीन कॉम्पिटिटर थे, आइडियोलॉजिकल कॉम्पिटिटर कांग्रेस थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो उन दोनों को तो उनकी आइडियोलॉजी को ही खत्म कर दिया बंगाल से। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, आइडियोलॉजिकल विक्ट्री है। रही बात फिजिकल इलेक्शन जो होते हैं, इसमें इन्होंने गेन किया 3 से 77, लूज तो नहीं किया ना। हालांकि गेन ममता दीदी ने भी किया, उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं उन्होंने क्यों गेन किया, क्योंकि सारी लड़ाई ही केवल 2 पार्टियों में हो गई थी। अगर इतना भी किसी एक पार्टी के आ जाने से कि आप मेन चैलेंजर बन जाते हैं, आप लीडर नहीं लेकिन मेन चैलेंजर बन जाते हैं, तो देखिए एक हायरार्की होती है, लीडर के बाद चैलेंजर होता है, उसके नीचे वाले पे फॉलोअर होता है, फिर उसके बाद छोटे मोटे निश टाइप के जो पार्टियां होती हैं जो 2-4 डिस्ट्रिक्ट में अपना प्रभाव रखती हैं। तो आप 2 स्टेप उछल करके टॉप 2nd पे पहुंच गए, ठीक है, आप फर्स्ट नहीं आ पाए, तो ये गेन है। लेकिन एक चीज और बोलूंगा कि बीजेपी अगर 200 सीटों को लेकर के या जितना, भाई अगर कोई वॉर में जाता है तो ये तो नारा लगा के नहीं जाएगा कि चलो जवानों हम लड़ाई जो है हारने के लिए जा रहे हैं, हथियार डालने के लिए जा रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। कहने का मतलब ये है फुल फ्लैग इफर्ट इन्होंने डाला, उसी का रीजन है कि ये 77 सीट जीत गए। कुछ और भी ऐसी पार्टियां हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा विजेता महसूस करती हैं, उन्होंने किया है, जैसे मैं केजरीवाल की बात करूं या ममता दीदी की ही बात करूं, आप आइए ना जरा यूपी में अपनी पार्टी को एक बार लॉन्च करिए, बिहार में लॉन्च करिए। केजरीवाल साहब यूपी गए थे, पंजाब गए थे, क्या हुआ, कितने दिन आप होल्ड कर पाए और कितनी सीटें आप जीत पाए। तो ये बहुत आसान टास्क नहीं है सर। 1:10 का जो है रेशियो था, 1:10 का मतलब कि जितना टीएमसी पावरफुल थी उससे 10 गुना ज्यादा पावर इनको लगाना पड़ा और तब जाकर के ये यहाँ पे पहुंचे। तो ये अपने आप में एक विक्ट्री है। इसके दूसरे पक्ष को देखिए, हार और जीत को देखने के कई पहलू, कई डायमेंशंस होते हैं। तो ये एक चुनौती है बंगाल में बीजेपी और दूसरी पार्टियां तो है नहीं, और टीएमसी के लिए चुनौती है कि आगे उनके लिए रास्ते आसान नहीं है, सरकार चलाने के लिए भी रास्ते उनके लिए आसान नहीं है। और ये बीजेपी के लिए भी एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कि इतनी बड़ी मशीनरी लगाने के बाद भी जो आपका रिजल्ट था आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। और मैं समझता हूं टीएमसी में भी मंथन चल रहा है कि आगे उनके लिए प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, और भी बहुत सारे मंथन पे चल रहा है। टीएमसी की नेता ममता दीदी इस चीज को इनकैश करेंगी, 2024 में वो चाहेंगी, उनकी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं कि पूरा जो है अपोजिशन मिलके उनको प्राइम मिनिस्टर का फेस बनाए, और मुझे लगता है ये चीज हो जाएगा। जिस हिसाब से छोटी मोटी पार्टियों के जो रीजनल पार्टियां हैं उनके रिस्पॉन्स जा रहे हैं, बधाइयां जा रही हैं उनके जीतने पे, तो मुझे लगता है कि ये चीज होगा। बीजेपी के लिए भी ये प्रॉब्लम एक आएगी कि अगर 2024 में ममता दीदी फेस बनती है तो एक नया चैलेंज होगा। तो रीथिंकिंग, रीशिफ्टिंग सब पार्टियों में चल रही है। यूपी में भी जो पार्टियां हैं वो भी सोच रहे हैं कि अब ऑप्शन क्या होगा। इवन वोटर के पास भी एक नया ऑप्शन आया हुआ है, वो भी सोच रहे हैं अपने आइडियोलॉजी को, अपने प्रेफरेंस को चेंज करने के लिए वेट कर रहे हैं कि अब आगे नेक्स्ट जो है डायमेंशंस कौन सा जो है अपीयर होने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। तो सारी की सारी चीजें ये रही। इसीलिए मैं बोलता हूं दोनों के लिए ही ये जीत रही है और दोनों के लिए ही किसी न किसी मामले में ये हार रही है। ममता दीदी हार गई अगर अपनी सीट से, तो ये भी हजम होने वाली बात नहीं है कि जो ममता दीदी अपने फेस के दम पे 200 से ज्यादा सीटें निकलवा सकती है वो अपनी सीट हार जाए। तो माइक्रो लेवल के मैनेजमेंट, और वहां वो 5 दिन रुकी भी थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया था। ठीक यही चीज बीजेपी के साथ हुआ। बीजेपी ने बंगाल में फोकस किया, उतनी सीटें नहीं आई। ममता जी ने अपनी एक इंडिविजुअल सीट पे बहुत ज्यादा फोकस किया, 5 दिन रुकी उसी चीज को लेकर के, लेकिन वो अपनी सीट नहीं जीत पाई। तो दोनों कहीं ना कहीं हारे हैं और कहीं ना कहीं जीते हैं। रही बात अदर स्टेट की, तो आसाम का मैं आपको बता दूं, वहां पे तो डेड श्योर थे सभी लोग क्योंकि रूलिंग पार्टी बीजेपी थी, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा ना बीजेपी ने फोकस किया ना एनालिस्ट ने किया। साउथ इंडिया में केरल में इन्होंने थोड़ा सा लिया था, उसके लिए ई श्रीधरन जी को, जिनको मेट्रोमैन बोला जाता है, एक अच्छा चेहरा उन्होंने दिया। साउथ इंडिया पे अभी भी बीजेपी ठीक है वो अपने कदम वहां रख रही है, लेकिन उतने एग्रेसिव ये हुए नहीं है। इन्होंने टारगेट किया था कि अब की बार हम बंगाल फतह कर लेंगे तो पूरा हिंदी बेल्ट और इधर बंगाल से हम फ्री हो जाएंगे, तो उस तरफ हम फोकस करेंगे। तो अभी इन्होंने आधा किला फतह किया है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि बंगाल वगैरह अगर फतह हो जाए, या अब इनके पास साउथ बचा है जहां पे इनको काम करना है। साउथ के चैलेंजेस, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, सोशियो पोलिटिकल कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। जिस स्टेट में सोशियो पोलिटिकल कल्चर, रिलीजन वगैरह हर चीज एकदम डिफरेंट हो, वहां दूसरी पार्टियों के लिए, बाहर से आने वाली पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, चैलेंजेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि सारी पार्टियों में एक बार रीथिंकिंग चल रही है। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बंगाल की पार्टी हो, चाहे यूपी की हो, चाहे साउथ की हो, इन रिजल्ट्स में भारतीय पॉलिटिक्स के डायमेंशंस में अभी ये बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और देखिए अभी महीने, डेढ़ महीने, दो महीने के बाद, अभी तो खैर कोविड से हम लोग जो है फाइट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही कोविड कंट्रोल में होगा और जिंदगी फिर एक ढर्रे पे आएगी, वापस अपने ढर्रे पे लौटेगी, इलेक्शन वगैरह होगा, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी अपोजिशन या रूलिंग पार्टी कोई भी आदमी इन सब चीजों पे नहीं करेगा। इतनी ह्यूमिलिटी तो यहाँ अपोजिशन और रूलिंग पार्टी सब में है कि कोविड अगर है तो प्रायोरिटी कोविड को दे रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। मिश्रा जी, आपका भी जोर इस बात पे था कि 3 सीटों से 77 सीटों पे तो आए, काफी एनालिस्ट भी कह रहे हैं, बीजेपी भी इसको विक्ट्री गिरदानती है कि हम 77 सीटें तो जीते। मैं यहाँ पे एतराज करता हूं इस विक्ट्री के ऊपर, वो इसलिए कि आप ये देखें कि 2/3 मेजोरिटी जिस पार्टी को असेंबली में हासिल हो वहां पे 77 क्या कर लेंगे, और उन 77 के लिए वहां पे क्या वो तब्दीली लाएंगे कि जब एक पार्टी के पास ये डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है उसमें 2/3 मेजोरिटी इज सच ए सिग्निफिकेंट थिंग। वो जो मर्जी आए, उस पार्टी के हाथ में एक पूरा तलवार होती है कि वो जो मर्जी आए कर सकते हैं। इन हालात में जब 2/3 मेजोरिटी हासिल कर ली तो बीजेपी की तो ये मेरी नजर में विक्ट्री नहीं है, नाकामी है। आपने कहा कि 5 साल बाद और ज्यादा किला फतह करेंगे, तो भाई इन हालात में जबकि बीजेपी मरकज में सरकार थी, इनकी सेंटर में सरकार थी, एक स्ट्रॉन्ग मोदी जी कैंडिडेट थे, बंगाल में इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड किया, मथन चक्रवर्ती से लेके बड़े बड़े नाम अपने साथ जोड़े, हर चीज करके देख ली, तो जाके 2/3 मेजोरिटी से ना रोक सके टीएमसी, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि आगे 5 साल बाद, तो 5 साल बाद किसने कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक? अभी तो 5 साल बहुत दूर है। इस दौरान 2024 का आपका इलेक्शन भी, अब तो आपको पहले बिल्कुल जो मोदी जी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे जा रहे थे, लोग कह रहे थे 2024 में मोदी जी, फिर 2029 में योगी जी, और एक लंबी लिस्ट लेके बैठे थे। तो यहाँ फेलियर आप किसका देखते हैं? क्या हिंदुत्व पॉलिटिक्स से लोग नाराज हैं, या भारत की जो ये बीजेपी है वो डिलीवर नहीं कर पाई हिंदू वोटर्स को जो कि मेजोरिटी में इनको वोट कर रहे थे, और अपीसमेंट ने क्या रोल अदा किया है? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, हिंदुत्व शब्द को जो इतना मंथन होता है, चाहे उसके बारे में कोई अच्छा बोले या चाहे कोई खराब बोले, इसको लोग समझ भी नहीं पाए हैं और कोई समझा भी नहीं पाया है। इस पे मैं 2 लाइन बोल देता हूं। आप भारत का इतिहास उठा के देखिए, दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, और पिछले 8-10 हजार साल का जब सिविलाइजेशन, कोई एक देश, मैं इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, जब बेस्ट कंडीशन यहाँ पे थी, यानी कि हमारी माली हालत, हम फाइनेंशियली इंडिया जो है लीडर था, जब 1/4 या 30% जीडीपी पूरी दुनिया को हम कंट्रीब्यूट करते थे, हम ज्ञान में, हम विज्ञान में सबसे आगे थे, तो उस वक्त हिंदू फिलॉसफी और हिंदू पॉलिटिकल सिस्टम ही था। तो हिंदू पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप में सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल सिस्टम है, इससे किसी को चिढ़ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, आप एक नहीं 100 साल तक दुनिया की कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी आप अप्लाई कर लीजिए, भारत अगर विश्व गुरु बनेगा तो अपने पुराने सिद्धांतों के आधार पे ही बनेगा। और उसमें भाई हिंदुत्व की फिलॉसफी ने तो कभी किसी को नहीं बोला ना कि किसी को भगाओ, किसी को मारो काटो, बल्कि उल्टा दुनिया भर के सताए हुए लोग यहाँ पे आए, दुनिया भर के लालची लोग भी यहाँ पे आए, हमने सबका पेट भरा। हिंदुत्व की फिलॉसफी ने सबको छत दिया, सबको रोटी दी, सबका पेट भरा, सबका इज्जत किया, सबका सम्मान किया। तो हिंदू फिलॉसफी ही केवल एक ऐसी फिलॉसफी है, मैं मानता हूं, जिसमें कि सबका भला होगा। वो बियॉन्ड कास्ट, रिलीजन, आप फॉरेनर हैं, आप क्या है क्या नहीं है, आपको अगर शेल्टर मिलेगा, प्रॉपर ग्रो करने का मिलेगा, तो हिंदू फिलॉसफी का ही मिलेगा। बात फिलॉसफी के फेलियर होने की नहीं है, हिंदुत्व के पॉलिटिक्स की यहाँ पे फेल होने की नहीं है। मैं बोलता हूं आप ऐसे इसको देखिए, हिंदुत्व की फिलॉसफी के दम पे ही तो 77 सीटें आ गई, अदरवाइज 3 सीटें थी। पिछली बार इन्होंने कोई बहुत खास इफर्ट नहीं किया, तो 3 सीटें से जो 77 सीटें आई, तो वो तो प्योर ये हिंदुत्व फिलॉसफी का ही इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया, तो गेम तो हुआ ही। हिंदुत्व की फिलॉसफी तो सर ऐसी एक चीज है कि आप अगर हिंदुत्व की फिलॉसफी से जुड़ते हैं तो आपको गे नहीं होना है। ये ऐसी गोली है सर, अमृत रूपी गोली है कि इससे आपको कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं होना है, इससे परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ देखिए होता क्या है कि एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, हर फोर्स का होता है। तो जो विपक्ष की भी अपनी बॉन्डिंग होती है, हो सकता है कि फर्स्ट प्रहार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चीजें नहीं हो पाई हो या उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट न मिला हो। तो इसके लिए मैं सारी पार्टियों के लिए बोलता हूं, ऐसा कौन सा नेता है जो पहली बार खड़ा हुआ और उसने पूरा परचम लहरा दिया? ऐसा कौन सा विश्व विजेता है? अलेक्जेंडर की आप बात कर लीजिए तो निकला तो क्या पहले युद्ध में ही वो जो है पूरी दुनिया उसने जीत ली। ये स्टेप वाइज होता है, ग्रेजुअल। पॉलिटिक्स एक दिन की चीज नहीं है सर, ये ग्रेजुअल, लॉन्ग टर्म और कॉन्टिन्यूअस ग्रो करने वाली, ग्रूम करने वाली चीज होती है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, अगर कोई वर्ल्ड लीडर बना है तो केवल एक ही सिंगल इफर्ट से, लिमिटेड इफर्ट से नहीं बना है, कई कई बार उसने इफर्ट किए हैं, लगातार इफर्ट चलते रहे हैं, वैल्यू एडिशन होते रहे हैं, तब जाके वो लीड किया है। सेम इज एप्लीकेबल, वो चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता दीदी हो। अगर उनको भारत का नेता बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो वो भी तो भाई ममता दीदी भी तो पिछले 25 सालों से पूरी जिंदगी अपनी खपा दी उन्होंने इसी पॉलिटिक्स में, तब जाके इस मुकाम पे पहुंची है ना। ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन उन्होंने पहला भाषण अपना चौराहे पे दिया था उसी दिन वो मुख्यमंत्री बन गई थी। सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे नेताओं के लिए है। जैसे लाइफ में ग्रूमिंग आपकी ग्रेजुअल होती है, सक्सेस आपको ग्रेजुअल मिलता है, पैदा होते ही पहले साल में आप सारी चीजें MA PhD वगैरह की डिग्री नहीं ले लेते हैं। तो सेम इज एप्लीकेबल फॉर पॉलिटिक्स, वो चाहे यहाँ की पॉलिटिक्स हो, चाहे कहीं की पॉलिटिक्स हो। अब इसमें जो लीड कर रहा है उसको तो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि TMC में बेचैनी नहीं होगी, जीतने के बाद भी उनकी बेचैनी है। ये अमित शाह और मोदी जी, ये दो लोग थे। सेम क्वेश्चन उठता था, दो लोग क्या करेंगे, दो लोगों ने कर लिया। शुरू में 3 लोग थे वहां पे, आधे से ज्यादा तो अब ये जो शुभेंदु वगैरह है ये सब तो TMC के ही है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये TMC को और मजबूत करेंगे कि TMC दिन पर दिन वहां कमजोर होगी? सबसे बड़ी पहले तो इनके पास ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ था नहीं, इनकी ऑर्गेनाइज्ड टीम नहीं। अब लेजिस्लेशन में वहां के आप देखिए, जब बैठेंगे सारे MLA बैठेंगे तो 77 इनके बैठेंगे, तो ये 77 लोगों की जो टीम गई है इसको बहुत हल्के में अपोजिशन को, ममता दीदी को नहीं लेना चाहिए। नो डाउट 2/3 मेजोरिटी है, बीजेपी की भी 2/3 मेजोरिटी है। आप यहाँ पे देखिए बहुत ये क्लियर कट मेजोरिटी है, लेकिन बहुत सारी चीजों में उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर TMC के लिए चैलेंज ये है कि अगर कोई चीज वो वहां मनमानी करना चाहेगी तो एटलीस्ट इन कंपैरिजन की पहले जो निष्कंटक होता था, कोई रोकने वाला नहीं होता था, अब कोई एक आवाज लगाने वाला तो वहां रहेगा। और ये दूसरे तरीके से भी बहुत अच्छा काम करेंगे सर। सेंटर वगैरह के जो फंड जाएंगे ना, तो ये जो 77 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो जीते हैं ये इतने अच्छे तरीके से वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे कि लोगों को फर्क दिखेगा, पब्लिक के सामने एक एग्जाम्पल होगा कि देखिए जिसमें जो है, जिस जगह पे बीजेपी के लीडर है, MLA है, वहां पे ग्रो ऐसे हुआ, विकास ऐसे हुआ, ग्रोथ ऐसे हुआ। तो ये एक डिफरेंस तो ये क्रिएट करेंगे ही करेंगे सर, क्योंकि देखिए इनकी फिलॉसफी को मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि जीत करके ये बैठ गए, ये कभी भी आराम से बैठने वाले, एक जीत इनकी होती है या एक इलेक्शन हुआ, ये नेक्स्ट इलेक्शन के तैयारी में अंदर ही अंदर लग जाते हैं। और ये दूसरी पार्टियों को सीखना चाहिए, मेहनत करना, लगातार मेहनत करना, कछुए की तरह ही मेहनत करिए। बीजेपी ने कोई चमत्कार नहीं किया, वो कछुआ और खरगोश की कहानी जो है वही है। ये डेली जो है मेहनत करके, धीरे धीरे करके ये बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां इनका ऑल ओवर इंडिया में कुछ वोट बैंक शेयर नहीं था, सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है, कितने सारे स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है। TMC का आप समझिए कि आधा बंगाल इन्होंने फतह किया, 1/3 बंगाल को फतह कर ही लिया है ना। और इंडिया के इतिहास में सर ये आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए, जिसने बंगाल का एक जिला फतह कर लिया और उसने पूरा इंडिया आगे आने वाले फ्यूचर में फतह कर लिया। आप देखिए ना, अंग्रेज जब आए थे या उसके पहले जो थे, बंगाल के छोटे से हिस्से पे कब्जा किया, उसके बाद फैलते फैलते 25-50 सालों में पूरे इंडिया में फैल गए। तो इसके तो एग्जाम्पल्स इतिहास में पड़े हुए हैं। तो इसलिए विपक्ष को तो मैं ये बोलता हूं कि इन चीजों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। आप जरा सा लापरवाह होंगे हुए नहीं कि आप समझ लीजिए कि आपकी कुर्सी चली जाएगी। मिश्रा जी, जब 2019 के इलेक्शन हुए थे, इसके बाद बीजेपी ने जिस तेजी से अपने मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाया, ट्रिपल तलाक को लेके आए, फिर वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, आर्टिकल 370 और 35A का एब्रोगेशन है, जिस हिसाब से अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को बढ़ा रहा था, तो कॉन्फिडेंस ऑफ वोटर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन फिर अचानक कोविड भी आता है और ये मुसलसल इलेक्शन आए, जैसे इससे पहले बिहार और दूसरी स्टेट्स के इलेक्शन आए, मध्य प्रदेश वगैरह के, फिर अब ये इलेक्शंस। तो क्या इलेक्शंस और कोविड की वजह से बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो की बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि नेशनल रजिस्टर है या यूनिवर्सल सिविल कोड है और कई और मुद्दे हैं जिनको लेके पब्लिक, भारत की आम जनता बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि अब ये भी चीजें आएंगी और बीजेपी भारत में जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेगी। और वो हमने देखा कि शुरू के 6 महीनों में इलेक्शंस के बाद बीजेपी ने तो सारा कुछ किया, लेकिन इसके बाद एक तो वो चीजें रुक गई और आम आदमी ये सोचने लगा कि क्या बीजेपी भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की तरह अब इलेक्शन पॉलिटिक्स में लिमिटेड हो गई है और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को भूल गई है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि बंगाल के इलेक्शन में इलेक्शन से पहले भी वायलेंस बहुत हुआ और बीजेपी के कई कार्यकर्ता को मारा गया, अटैक किए गए। और इलेक्शंस के बाद की तो सूरत हाल आप देख ही रहे हैं कि भयानक है, गैंग रेप हो रहे हैं, बीजेपी की लड़कियों के, बीजेपी के कारकुनों को मारा जा रहा है। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी अपने वर्कर्स को भी नहीं बचा पा रहे, तो क्या वोटर्स का कॉन्फिडेंस शटर हुआ है इस इलेक्शन से? देखिए, वोटर का कॉन्फिडेंस शटर नहीं हुआ है, उसके पीछे ठीक है, एक जब आपको असफलता मिलती है तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस सब आदमी के, न केवल वोटर, लीडर्स के दिमाग में भी आने शुरू हो जाते हैं। पहली चीज मैं कोविड वाले पे बात करूं, देखिए क्या है, जब एक ऐसी महामारी आती है, आप 10,000 साल का जो है इतिहास उठा के देख लीजिए, जो रूटीन लाइफ होती है, जो सिस्टम का जो रूटीन वर्क होता है, डेफिनेटली वो हैम्पर होता है, क्योंकि आपका सारा फोकस ह्यूमन, मतलब प्रजाति का, सिविलाइजेशन का, गवर्नमेंट का पूरा फोकस हो जाता है कि ऑल ऑफ सडन जो एक मुसीबत आ गई है उससे निपटा जाए, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे इटली रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, और बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। इस प्रॉब्लम से निपटना और जान बचाना प्राइमरी हो जाता है सारे सरकारों की। और इवन इंडिविजुअल आदमी के लेवल पे भी देखें कि उनके जो रूटीन लाइफ होते हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं, इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना प्रायोरिटी हो जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी प्रायोरिटी ये है, तो इसके कारण कुछ जो है स्लो डाउन हुए हैं। लेकिन इस परिस्थितियों में भी आप देखिए, अब बीजेपी ने, ठीक है, कोविड के ठीक थोड़ा पहले या कोविड के पीरियड में जो 2-3 इनके बहुत इंपॉर्टेंट टास्क थे वो इन्होंने पूरे किए, जो इनके कमिटमेंट थे। आप कश्मीर में जो है 370 धारा वगैरह का एब्रोगेशन वगैरह जो हुआ, उन्होंने बहुत खूबसूरती से उस चीज को किया। राम मंदिर वगैरह का जो ये था, वो चीजें इन्होंने बहुत खूबसूरती से इम्प्लीमेंटेशन की। थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसको छोड़ देंगे। इनके जो मैनिफेस्टो है वो ईयर ओवर ईयर, या आज नहीं तो कल ये उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने इन्हीं मुद्दों को बना के ये हर बार इलेक्शंस में गए हैं। तो ये यू टर्न ले लेना इनके लिए भी इतना आसान नहीं है, और ये इनकी कोर फिलॉसफी है, जिसकी जो कोर फिलॉसफी है आप उससे चेंज नहीं, भाई आप अपने शरीर से सब कुछ तो चेंज कर सकते हो उसके आकार प्रकार में, लेकिन रीढ़ की हड्डी तो आप नहीं हटा सकते हो ना, रीढ़ की हड्डी तो रहेगी ही रहेगी। तो रीढ़ की हड्डी को तो ना बीजेपी हटा पाएगी, ना टीएमसी या कांग्रेस भी अपनी फिलॉसफी को नहीं हटा पाएगी। चेंज या स्विफ्ट अगर होना है तो वो भी पॉलिटिक्स में एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है और बहुत स्लो होता है। ऑल ऑफ सडन तो म्यूटेशन होता है, उसके परिणाम आपके फेवर में भी आ सकते हैं, अगेंस्ट भी आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दूसरा आपने सवाल क्या पूछा था, मैं भूल गया, आपके सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन था जरा रिपीट करिए। वो शटर हुआ इलेक्शन क्योंकि वो आपके कार्यकर्ताओं की हिफाजत नहीं कर सके। हाँ, हिंसा की बात। हाँ, हिंसा, देखिए बंगाल की ये एक त्रासदी रही है, और अभी से नहीं, बंगाल इतना प्रॉस्परस रहा है, अगर पूरे इंडिया में देखा जाए, मैं पास्ट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, शायद सबसे प्रॉस्परस और कल्चरली सबसे ज्यादा डेवलप, जॉयफुल अगर कोई कल्चर रहा हो तो खाने में, पीने में, लाइफ को सेलिब्रेट करने में वो बंगाल रहा है। और चूंकि समुद्र के किनारे होने के कारण देखा जाए तो बंगाल अभी नहीं, पिछले 1000 साल के इतिहास में अंग्रेजों के टाइम पे भी बड़ा प्राइम फोकस रहा है। तो 1000 साल से ही देखा जाए जो बंगाल की प्रॉस्पेरिटी रही है, जो कल्चर रहा है, वहां पे पता नहीं कैसे ये हिंसा घुस गई है। कॉमन बंगाल का कल्चर, कॉमन बंगाली पीपल, वहां पे हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप कॉमन सोसाइटी में जाएंगे तो वो बहुत मिलनसार है, बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत हेल्पफुल है, और इन सब चीजों से वो दूर रहते हैं। लेकिन ये गंदी राजनीति जब से घुसी है ना कि बाई हुक और बाई क्रुक करके, तो कि जीतना ही जीतना है कैसे भी करके, ये चीजें जो है पिछले कई दशकों पहले उस आइडियोलॉजी के जो पार्टियां थी, वामपंथ वगैरह, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट वगैरह जो होते थे, क्योंकि देखिए बल का प्रयोग करते हुए, हाँ, हिंसा का प्रयोग करते हुए तब बैलेट पेपर वगैरह से इलेक्शंस होते थे, थोड़ा आसान हो जाता है चीजों को मैनेज करने का। ये चीजें वहां पे हुई और इन चीजों को वहां की जनता भी दूर करना चाहती है। भाई जनता ने तभी तो 77 सीट दी इन सब चीजों से कि भाई ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, और जो अपोजिशन की भी पार्टियां हैं वो भी मांगती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, चीजें सब अवेलेबल है, पुलिस अवेलेबल है, अब सारी चीजें हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रैपिड एक्शन फोर्स मांगे या राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल रूल की मांग करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो वो मना करेगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वहां पे ये राजनीति की जश्न भी मन रहा है। भाई टीएमसी अगर जीत गई जश्न मन रहा है, तो जश्न मनाने का ये तरीका तो कहीं नहीं दिखा है कि आप अपने विरोधियों का घर फूंकिए, आप अपने, ये कुछ ऐसे अनसोशल एलिमेंट है। और मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, अगर कोई पॉलिटिशियन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी हिम्मत नहीं है, अगर वो वाकई में ट्रू पॉलिटिशियन है तो वो भी खुले मन से इसको जायज नहीं ठहराएगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन कुछ ऐसे अनसोशल एलिमेंट होते हैं ना जो कि इन मौकों का फायदा उठाते हैं, वो उनकी हरकतें, उनकी सोच इतनी गिरी हुई होती है। मैं बोलता हूं इलेक्शन नहीं होगा, जैसे जो हिंसक है, जो मर्डर करता है, चोरी करता है, लूट करता है, ये सब करता है, जब इलेक्शन नहीं होता है वो तब भी करता रहता है। तो ऐसे एलिमेंट को पहचान करके सोसाइटी से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। यानी जेल वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है इसीलिए है कि दे आर नॉट फिट फॉर द सोसाइटी, तो इनको एक बाहर आइसोलेशन में रखा जाए। और इसको जब राजनीतिक मूक यानी कि चुपचाप राजनीति उसको ना हाँ कह रही है ना ना कह रही है, एक मौन समर्थन दे रही है, साइलेंट वे में उसको जो है सपोर्ट कर रही है, तो इन लोगों का मनोबल और बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है बंगाल में ये प्रॉब्लम है, और एक राजनेता होने के कारण जो जीतता है, जो किसी पद पे है, उसके लिए सारी जनता, भाई कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को दिक्कत होगी तो दिक्कत तो एक हिंदुस्तानी को ही होगी ना। तो हिंदुस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, स्टेट लेवल से लेकर के आप देखिए सेंट्रल लेवल तक, सबको इसकी फिक्र होनी चाहिए। और इस चीज को सोसाइटी को भी जो है यहाँ पे ये चीज करना चाहिए, और इन चीजों में वहां की सरकार फेलियर हो रही है, जो मुझे लगता है कि क्यों नहीं इमीडिएट एक्शन ले रही है या क्यों नहीं इन चीजों को रोक रही है। और इवन इंक्लूडिंग सोसाइटी वालों को सोचना चाहिए, भाई इलेक्शन खत्म हो गया, चलो आप जीत गए, आप राज करिए और विकास की बातें करें, अपनी जिंदगी को फिर उसी ढर्रे पे ले आए। तो कुछ ऐसी अनावश्यक चीजें होती हैं, और हर सिस्टम में, आप कोई भी सिस्टम देख लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे फॉल्ट रह जाते हैं। बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट, हम पूरा कल्चर को भी वहां पे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए कंट्री, सिस्टम को भी वहां पे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वहां पे भी बहुत तेजी से तब्दीली आएगी। सही कहा आपने। और जैसे कि कुछ लोग, मूर्ख लोग कहूंगा मैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल लॉ आना चाहिए, आर्मी को बुलाओ, ये करो वो करो, मैं समझता हूँ भारत की इतनी स्ट्रांग और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है कि वहां पे ऐसी चीजों के लिए जगह नहीं है। इवन जम्मू एंड कश्मीर जैसे हालात में भी वहां पे भी एक डेमोक्रेसी मौजूद है, कोई प्रेसिडेंशियल लॉ और इन चीजों की गुंजाइश नहीं है। और बंगाल जैसे इलाके में तो मैं समझता हूँ कि ममता दीदी भी एक सीनियर पॉलिटिशियन है और वो चीजों को कंट्रोल कर लेंगी। सवाल मेरा आपसे ये है कि ममता दीदी अपनी सीट हार गई, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, तो अब आप किसको सीएम देखते हैं और ममता जी का रोल क्या देखते हैं? देखिए, मेरे और आपके देखने से कुछ नहीं होगा। एक सीट का हारना, यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, रेपो हैम्पर हुई है, नो डाउट, ये भी एक बहुत नाक की लड़ाई थी, पर्टिकुलरली शुभेंदु अधिकारी और ममता दीदी की। सरकार किसी की भी बने, लेकिन कुछ सीटें जो है हर इलेक्शन में बहुत हॉट रहती हैं, जहां से कि बड़े चेहरे लड़ते हैं। जैसे अमेठी की सीट हो गई, वहां पे बड़े चेहरे लड़ते हैं, जो भी बड़े चेहरों की सीट होती है वो हमेशा चर्चा में रहती है। तो इस पॉइंट का व्यू से तो डेफिनेटली देखा जाए, एक रेपो का हैम्पर तो हुआ ही है ममता दीदी का, लेकिन ऑप्शन बहुत है। मुख्यमंत्री का चेहरा अभी भी वही रहेंगी, टीएमसी वगैरह में भी अभी भी कोई जो है ममता दीदी को चैलेंज करने वाला या बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे ऐसी हैं कि उनको चैलेंज करने वाला कोई और लीडर नहीं है। इंटरनल डेमोक्रेसी शायद इतनी वहां पे नहीं है, इंटरनल विदिन पार्टी सिस्टम में जो है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो ममता दीदी ही रहेंगी। वो जो है दूसरे रास्ते से सदन में वहां पे विधानसभा में भेज दी जाएंगी, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। या कहीं पे बाई इलेक्शन होगा तो वहां से वो लड़ करके फिर जो है इलेक्शन जीत सकते हैं। तो हमारे डेमोक्रेसी की ये खूबी है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो है रास्ते हैं कि टैलेंट को या उन चीजों को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो आप देखिए ना, वो ही वॉज नॉट एक्टिव पॉलिटिशियन, लेकिन वो टॉप पोजीशन पे उनको, उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए, इन सब चीजों को करते हुए टॉप पोजीशन पे उनको लाया गया। राज्यसभा में बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जिनका की पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं होता है दूर दूर तक, लेकिन उनके कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में ऐसे रहते हैं कि उनको सरकारें या कोई पार्टी जो है राज्यसभा में भेजती है और इक्विवेलेंट पावर और इक्विवेलेंट सारी चीजें वो वहां पे उसको लेटर ऑन एंजॉय करते हैं, अधिकार वगैरह जो होते हैं उसको वो एंजॉय करते हैं। तो दिस इज अ गुड थिंग ऑफ आवर डेमोक्रेसी एज आई थिंक, जल्दी ये कहीं मिलती नहीं है। और नो डाउट चेहरा जो है वो ममता दीदी ही रहेंगी, मुख्यमंत्री वही बनेंगी। और क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री बनना भी अभी सेंट्रल इलेक्शन होने में 2024 का मतलब 1-1.5 साल का टाइम है, तो वहां पे मुख्यमंत्री रहते हुए वो कुछ चेंजेस जरूर करना चाहेंगी और कुछ इस तरीके से, ताकि सेंट्रल इलेक्शन में उनको जो है प्राइम मिनिस्टर का फेस जो है सारे विपक्षी दल जो है यूनाइटेड वे में उनको मान ले, एक्सेप्ट कर ले। और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहती है तो इन सब चीजों को वो दिखा नहीं पाएंगी, चेंज को दिखा नहीं पाएंगी। तो हर तरीके से मुख्यमंत्री वही रहेगा। अमेरिका में इलेक्शन हुए तो अमेरिका के सिटिंग प्रेसिडेंट ने भी उन इलेक्शन को फेक इलेक्शन करार दिया, रिग्ड इलेक्शन करार दिया। दुनिया में जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ आवाज उठती है। ये ओनली कंट्री है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जहां पे इलेक्शन होते हैं, कोई एक उंगली उठा के नहीं कह सकता कि इस इलेक्शन में कहीं रिगिंग हुई है। हारने वाले जीतने वाले, चाहे हारने वाला प्राइम मिनिस्टर की पार्टी हो, चुपचाप इलेक्शन के रिजल्ट्स को कबूल कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है भारत के इलेक्शंस की। और सैल्यूट टू द सिस्टम। और वोटर्स से लेके इलेक्शन कंडक्ट करवाने वालों को, साथ साथ पॉलिटिशियंस को भी इस बात का अप्रिसिएशन जाता है कि भारत की डेमोक्रेसी, इलेक्शन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इतनी ऑनेस्ट है और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा सकता। साउथ इंडिया जाने से पहले इस अपर इंडिया के हवाले से एक और सवाल आता है कि अब अगले बड़े इलेक्शन यूपी के हैं और यूपी के हवाले से वैसे तो योगी जी बहुत ही स्ट्रांग जा रहे हैं और योगी जी का काम भी बहुत पसंद किया जा रहा है। उनके ऊपर आरोप भी बहुत लगते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल आरोप तो लगेंगे ही, जाहिर है ओपोजिशन ने इतना आसानी से किसी को आगे नहीं बढ़ने देना होता। लेकिन आफ्टर ऑल अगर हम अनबायस्ड होकर योगी जी की पॉलिटिक्स को देखें तो ही हैज डन ए वंडरफुल जॉब फॉर यूपी। आप यूपी के आने वाले इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? क्या वो आसानी से बीजेपी के लिए एक आसान रास्ता होगा या वहां पे अखिलेश यादव और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज एक किरदार अदा कर सकेंगे? देखिए इंडिया में जो भी इलेक्शन होते हैं, अगर 3 महीने बाद यही बंगाल का इलेक्शन फिर हो जाए, 6 महीने के बाद फिर से हो जाए, तो वहां पे भी सारे सिचुएशंस बदल जाते हैं, सारे डायनामिक्स बदल जाते हैं, प्रेफरेंसेस जो है वोटर्स के बदल जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे बदल जाते हैं, चैलेंजेस बदल जाते हैं। तो यूपी का इलेक्शन भी इससे अछूता नहीं रहेगा। ठीक है 1 साल के बाद होने वाला है, लेकिन ओवरऑल 5 साल तो पूरे हो ही जाएंगे। तो जो उन्होंने काम किया वो एप्रिशिएबल है। योगी जी की एक खूबी ये है कि जब आप सीट पे बैठते हैं तो आपको डामाडोल वाली जो मन स्थिति होती है ना, कि करें कि ना करें, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर रियली में विकास आपको करना है तो आप डिसीजन लीजिए जो लार्जर पार्ट ऑफ सोसाइटी के लिए इक्वली बेनिफिशियल हो और उसको एग्जीक्यूट करिए। फिर उसके परिणाम की चिंता मत करिए कि कोई उसको क्रिटिसाइज करेगा, कोई एप्रिसिएट करेगा। अब भाई एक सड़क बन रही है तो डेफिनेटली उसमें कुछ लोगों का व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। आप जब जमीन को लेंगे तो उसका गवर्नमेंट एक्वायर करती है, तो इंडिविजुअली आदमी की जमीन तो जाती है लेकिन उसको मुआवजा दिया जाता है। लार्जर पार्ट ऑफ सोसाइटी के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए वो बहुत पेइंग होता है, लेटर ऑन चल के बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि यूपी इलेक्शन में भी चेंजेस और चैलेंजेस बदल जाएंगे। क्योंकि यूपी इलेक्शन में भी गठबंधन बनेगा ही बनेगा विपक्षी दलों का। इसके पहले भी आप ये देखिए वहां पे कुछ जो लोकल पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने पहले भी 6 महीने साल में पहले भी डिक्लेयर किया हुआ है कि अब की बार ये पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाएंगी। तो सवाल ये होता है कि अच्छा मुद्दे भी बदल जाएंगे। मुद्दे इसलिए बदल जाएंगे कि जो मुद्दे 5 साल थे उसमें से बहुत सारे मुद्दे फुलफिल हो गए और उसके साथ बहुत सारे नए मुद्दे उभर करके भी सामने आ जाते हैं। ग्रोथ में जो एक टाइम पास होता है उसमें ये होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है पुराने मुद्दे सॉल्व होते चले जाते हैं या और क्रिटिकल होते जाते हैं और नए चैलेंजेस और नए मुद्दे ह्यूमन सिविलाइजेशन के सामने आते चले जाते हैं। ये हिस्ट्री रही है, ये साइंस है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो चैलेंजेस भी जो है वहां पे बहुत सारे रहेंगे लेकिन इनके बेसिक प्रिंसिपल जो है वो सेम रहेंगे। बीजेपी का भी सारा फोकस है और विपक्ष का भी सारा फोकस है। थोड़े से चैलेंजेस मुझे लगता है बीजेपी के लिए बढ़ने वाली हैं और ये देखने वाली चीज है कि बदली हुई सिचुएशन में बीजेपी एज वेल एज अपोजिशन अब की बार क्या रणनीति अपनाती है, किस तरह के चैलेंजेस एक दूसरे के लिए क्रिएट करते हैं, पब्लिक का क्या ओपिनियन है वहां पे और पब्लिक के रुझान को देखते हुए किस तरीके से ये लोग अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं और इलेक्शन कैंपेन में उतरते हैं। लेकिन एक चीज ये मैं जरूर बोलूंगा, जब आप रूलिंग पार्टी में रहते हैं तो आपके साथ दो ही चीजें होती हैं। अगर आपने शासन अच्छे से नहीं किया है, डिलीवर नहीं किया है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है एंटी इनकम्बेंसी में। अगर आपने काम किया है, आपने जनता के दिलों को जीता है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी में ना होकर के प्रो इनकम्बेंसी बन जाती है, यानी आपके लिए फेवरेबल बन जाती है। तो ये चीजें, ये दोनों देखना है कि बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी बनती है कि उनके लिए इनका ये 5 साल का शासन उनके लिए वैल्यू एडिशन हो जाएगा और किस तरीके से वो इसको इनकैश करते हैं। और विपक्ष के लिए भी यही चैलेंज होगा कि वो इसको एंटी इनकम्बेंसी में कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं कि क्या कर पाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष अब की बार भी कुछ ऐसी गलती कर जाए कि उसका नेचुरली बेनिफिट जो है बीजेपी को मिल जाए। यहाँ विपक्ष के साथ एक चैलेंज और मुझे ये दिखता है, कहीं ना कहीं ज्यादातर इलेक्शंस में देखा जाए, मैं एक बात बोलता हूं, पॉलिटिक्स में आपकी कमजोरी, आपकी एक छोटी सी भी कमजोरी आपके राइवल के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट बन के उभरती है। आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट भी आपको इलेक्शन जिता सकता है या हरा सकता है। तो ये चीजें भी यहाँ पे देखने वाली बात है कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल गलतियां जो है कौन सी पार्टी क्या करती है और अपोजिशन जो है या दूसरी पार्टी उसी प्रैक्टिकल गलती को, मिस्टेप को जो है बहुत बड़ा मुद्दा बना लेती है। क्योंकि इलेक्शंस तो 1 महीने में खत्म हो जाता है ना, टाइम स्पेंड बहुत कम होता है। उस 1 महीने में जो वोटर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी को, उनकी बॉन्डिंग को चेंज करना, अपने फेवर में करना, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। आप देखिए 20-22 करोड़ 25 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 11-12 करोड़ उसमें वोटर होंगे। 11-12 करोड़ वोटर को के परसेप्शन को चेंज करना, मैनेज करना अपने आप में बहुत टफ टास्क है। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी इतने बड़े देश में इतने कंज्यूमर को अपने फेवर में नहीं कर पाती है और इतने कम टाइम में कि 1 महीने में ही आपको सब कुछ करना है, 1 महीने में आपने किया। तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव चीज होती है, बहुत ऑब्जर्वेंट होकर के, और बहुत क्यूरियस चीज होती है। पर्टिकुलरली अगर हमारे जैसे लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं एक एक चीज, अभी कुछ दिनों के बाद से अब देखिए सरगर्मियां यूपी इलेक्शन की ही शुरू हो जाएगी। बहुत सारी चीजें आपको बेंड होती हुई या उससे मोटिवेटेड या उस तरफ इंक्लाइंड होती हुई सारी पार्टियों की दिखेंगी। और एक बार आपकी बार यूपी इलेक्शन में और होगा, मुझे ये लगता है कि पिछली बार यूपी इलेक्शन था तो वो रीजनल इलेक्शन होके रह गया था, लेकिन अब की बार यूपी इलेक्शन में बाहर के स्टेट के अगेंस्ट बीजेपी, जैसे केजरीवाल है, हो सकता है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। अगर वहां जाकर के ना लड़े तो हो सकता है कुछ स्टेटमेंट ऐसे दें कि भाई इनको वोट दीजिए। हो सकता है ममता दीदी का भी कुछ स्टेटमेंट आया बिहार से, अपोजिशन के जो और डिफरेंट लीडर हैं, हो सकता है कि वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे कि भाई वहां बदला आप यूपी में बदलो। तो ये चैलेंजेस भी हो सकता है बीजेपी को फेस करना पड़ जाए। उसके पीछे कारण है, कारण ये है कि संसद में अगर किसी को जाना है, पार्लियामेंट में जाना है, तो यूपी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 82-83 सीटें हैं यहाँ पे। आपने यूपी जीत लिया तो आपको राज्यसभा की तो बहुत सारी सीटें ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। तो दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में, आप बहुत स्ट्रांग होल्ड में आ जाते हो केवल एक स्टेट जीतने के कारण। तो इसीलिए विपक्ष की भी निगाह बहुत जबरदस्त तरीके से यूपी में रहती है और पक्ष की भी, रूलिंग पार्टी इसको गंवाना नहीं चाहेगा और विपक्ष कैसे भी करके इसको हासिल करना चाहेगा। तो सबसे टफ, सबसे कॉम्पिटिटिव, सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन जो होने वाला है वो यूपी का होने वाला है 2022 में। मिश्रा जी, साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं। एज एन आउटसाइडर, जब मैं मेरा सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन और एक आउटसाइडर के लिए इंडियन सोसाइटी का सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन इंडियन फिल्म्स होती हैं। जब हम बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें भगवानों का मजाक भी उड़ाया जाता है, हिंदुइज्म को टारगेट किया जाता है, सब कुछ है। लेकिन जब हम साउथ इंडिया की फिल्में देखते हैं तो उसमें रूट्स ऑफ रिलीजन हिंदुइज्म बहुत स्ट्रांग दिखाई जाती है, बहुत ही रेस्पेक्ट और रिलीजन को बड़ा प्रमोट किया जाता है। इसी तरह जनरल सोसाइटी में भी जब हम जाते हैं तो ज्यादातर आपको नॉर्थ इंडिया में लिबरल सेक्युलर बड़ा ज्यादा मिलेगा, लेकिन साउथ इंडिया का जो हिंदू है वो अटैच टू देयर रूट्स नजर आता है। उनका मंदिर जाना, उनका भगवान का रोल जो है वो हर डेली लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। इसके बावजूद हम ये क्या देखते हैं कि तमिलनाडु हुआ या केरला हुआ, खासतौर पे ये दो स्टेट की मैं बात करूंगा जहां पे अभी इलेक्शन हुए, वहां पे हिंदू पार्टीज खासतौर पे बीजेपी को एक टर्म किया जाता है कि ये हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है। तो उनको क्यों इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है या उनको इतना क्यों वो नहीं मिलता है, और वहां पे सेक्युलर पार्टीज या कम्युनिस्ट पार्टीज, अब जैसे मेट्रोमैन जैसा आदमी उतारा गया वहां पे, लेकिन इसके बावजूद वहां पे कोई खास इनरोड्स ना बन सके। क्या देखते हैं आप साउथ इंडिया की इन दो स्टेट की पॉलिटिक्स को? देखिए, आपने एक बहुत वाजिब क्वेश्चन पूछा है कि साउथ इंडिया की फिल्मों में अभी भी जो वहां के इंडियन कल्चर हैं, गॉड हैं, उन सबको मतलब साउथ इंडियन कुल मिला के देखा जाए तो अपने बेसिक रूप से अभी भी जुड़े हैं। डे टू डे लाइफ में जो उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस, वो भी बहुत जुड़ी हैं। इसका आंसर हमें हिस्ट्री से मिलेगा। साउथ इंडिया हमेशा से आइसोलेटेड रहा है, बहुत सारी बुरी चीजों से, इन्वेडर्स के बुरी निगाहों से बचा रहा है। उसके पीछे एक कारण है कि जो भी इन्वेडर्स आते थे वो ज्यादातर आप देखिए आते थे इधर, आपका करंट में जो पाकिस्तान है, जो दर्रे हैं, खैबर और ये सब दर्रे हैं, उधर से आते हुए, और अल्टीमेटली दिल्ली जिसने फतह कर ली वो ये मान लिया जाता था कि भाई अब उसका टास्क कंप्लीट हो गया है, तो वो उसके आगे बढ़ता नहीं था। तो नॉर्थ इंडिया ज्यादा अफेक्टेड रहा है कल्चरल इन्वेजन से और इन सब चीजों से। तो जब नॉर्थ इंडिया जिस कल्चर में एक तरीके से इम्प्योरिटी आ गई, तो जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, सिनेमा वगैरह तो बाई प्रोडक्ट है ना, सोसाइटी के कल्चर के बाई प्रोडक्ट है, तो उनके भी टॉपिक साहित्य में भी इसी तरीके से चेंजेस आ जाते हैं। जब इन्वेजन वगैरह नहीं हुए थे यहाँ पे किसी के, तब यहाँ पे केवल इंडियन कल्चर की बात होती थी, यहाँ के भगवान देवताओं की, तीज त्योहारों की बात होती थी। जैसे जैसे इन्वेजन होता चला गया, फिर लिटरेचर में भी आपको अरब की कहानियां, अलिफ लैला वगैरह मिलने लगी। तो ये है कि जब दो कल्चर कहीं से इंटरैक्ट करते हैं, इन्वेजन होता है पॉजिटिव या निगेटिव वे में, उनका इंट्रोडक्शन भी सोसाइटी के जितने भी मशीनरी है, बाई प्रोडक्ट है, वहां पे मिलता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे कहानियां हो, चाहे आपके सीरियल हो। साउथ इंडिया इस मामले में नेचुरली प्रोटेक्टेड रहा, क्योंकि उस तरफ कोई जल्दी जाता भी नहीं था, और जाते भी थे तो वहां पे ज्यादातर वो दिल्ली में ही उलझे रहते थे। वहां उतना वो फोर्सफुली काम करने के लिए उनका ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि अपना मेन तख्ते ताउस को बचा के रखना इन लोगों का ज्यादा जो है मेन फोकस रहता था। एक रीजन ये था। दूसरी चीजें देखिए, आपने बात की केरला में क्या है। साउथ इंडिया का कल्चर, लैंग्वेज, फूडिंग वगैरह सब कुछ अलग है। भारत की डाइवर्सिटी बहुत जबरदस्त है सर, लेकिन रीढ़ की हड्डी सेम है। मैं तो साउथ इंडिया में भी रहा हूं और इंटरैक्ट मैंने खूब किया हुआ है। लैंग्वेज अलग हो गई, लेकिन बिलीव्स सेम है, मान्यताएं सेम है, डे टू डे प्रैक्टिसेस सेम है। सिर्फ लैंग्वेज और थोड़ा बहुत एटमॉस्फियर के कारण पहनने का कपड़े पहनने का जो है तौर तरीका होता है। शादियां भी आप वहां हिंदुओं में जाके देखेंगे तो उनकी बेसिक फिलॉसफी जो है शादियों की सेम रहती है, प्रोसीजर सेम रहता है, जानवरों को लेके, गाय को लेकर के, रिलीजन को लेके। अब एक बार मैं आपको बताता हूं, मैं वहां एक मंदिर में दर्शन करने गया, लॉर्ड मुरुगन, भगवान मुरुगन। तो अब मुरुगन नाम मेरे लिए डिफरेंट था, तो मैं लाइन में लगा था, तो मैंने पूछा वहां पे कि मुर्गन कौन से देवता है, मुझे पता ही नहीं था कौन से भगवान है। तो उसमें थे तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ नॉर्थ इंडिया में हिंदी में कार्तिकेयन बोलते हैं, यानी गणेश जी के, भगवान शंकर के पहले लड़के थे गणेश जी और उनके छोटे लड़के थे कार्तिकेयन। तो कार्तिकेयन को तो मैं जानता था, लेकिन मुर्गन को मैं नहीं जानता था, भगवान मुर्गन को नहीं जानता था। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वहां पे मेरा। टर्मिनोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन फिलॉसफी तो सेम है, क्योंकि जो कार्तिकेयन है वो सेम हमारे लिए वही है, जो उनके लिए है कार्तिकेय, उनकी पूरी लाइफ, उनकी पूरी हिस्ट्री, आइडियोलॉजी हम दोनों के लिए सेम है। अब गणेश जी को हम गणेश बोले या महाराष्ट्र में गणपत बोले तो उनके कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज नहीं होंगे ना, उनकी पावर, उनकी फिलॉसफी तो चेंज नहीं होगी। लैंग्वेज के कारण नाम डेफिनेटली चेंज हो जाता है। दूसरी चीज, साउथ इंडियन पॉलिटिक्स को बीजेपी क्यों नहीं कर पाई? बीजेपी कोशिश कर रही है कर्नाटका को छोड़ के। कर्नाटका में इन्होंने अच्छा माहौल बना लिया, उन्होंने रूल भी किया कई बार। मुझे ये लगता है कि भारत इतना बड़ा और इतना डाइवर्सिफाइड है ना, कि अब आपको एक बात बोलूंगा जो कि मैं बोलता हूं, इतने आक्रांता आए, इन्वेडर आए, पूरे इंडिया पे कोई अपने एक जीवन काल में शासन नहीं कर सका। औरंगजेब ने थक हार करके तलवार रख दी और उसने, ये डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है, मिलते हैं एविडेंस, कि उसने ये बोला कि भाई पूरे भारत को कब्जे में लेना जो है, इसका इस्लामाइजेशन करना या पूरे भारत को कलमा पढ़ाना इम्पॉसिबल है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तब वो जाके फकीरी करने लगा था लास्ट में, और टोपियां वोपियां सिलने लगा था, जो लोग बोलते हैं। जब हार गया तब वो उसने किया था, ऐसे ही नहीं किया था। तो जब हजारों साल से एक साथ बड़े बड़े अपने आप को तुर्रम खान समझने वालों ने एक साथ इन्वेड नहीं कर पाया, तो ये चैलेंज पॉलिटिक्स में भी है। साउथ इंडियन पॉलिटिशियंस क्यों नॉर्थ इंडिया में नहीं डोमिनेट हो पाया, ये भी एक क्वेश्चन है। सेम इसी क्वेश्चन का दूसरा पहलू आप देखिए, तो वहां पर रीजन ये है कि बीजेपी में भी साउथ इंडिया में कुछ लीडर इन्होंने पैदा किए, लेकिन लोकल लीडरशिप उतनी डेवलप नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। कांग्रेस की थी, वो खत्म हो गई, क्योंकि आजादी के टाइम पे कांग्रेस होमोजीनियस वे में ये डिस्ट्रीब्यूटेड थी ऑल ओवर इंडिया में। पीवी नरसिम्हा राव साउथ इंडिया के ही थे कांग्रेस में, लेकिन इतने बड़े लीडर थे कि साउथ इंडिया को भी वो कवर कर लेते थे और नॉर्थ इंडिया को भी कवर कर लेते थे। 70 से ज्यादा भाषाएं उनको आती थी, इतनी अच्छी हिंदी वो बोलते थे नॉर्थ इंडिया में कि शायद आपको लगेगा ही नहीं कि ये साउथ इंडिया के हैं अगर उनका नाम ना बताया जाए। तो जो लैंग्वेज से रिलेटेड कल्चर सेम है, मुद्दे सेम है वहां पे भी। आप ये देखिए, मुद्दे जो नॉर्थ इंडिया में लोग प्रीफर कर रहे हैं बीजेपी के मुद्दे, वो साउथ इंडिया के भी लोग प्रीफर कर रहे हैं। लेकिन जो एक कल्चरल डिफरेंस आ जाता है, वहां अपनी बात को कहना और लोगों को कन्विंस करना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इन्होंने अभी फोकस भी नहीं किया है, लेकिन अब ये ग्राउंड लेवल पे फोकस कर रहे हैं। किसी न किसी एंगल से ये वहां पे भी ग्रो कर रहे हैं। ये बंगाल में 77 लोगों की टीम बना करके देखिए, अब एक ऑर्गेनाइज्ड टीम तो हो गई ना इनके पास बंगाल में काम करने के लिए। अदरवाइज पहले क्या होता था कि जब इलेक्शन होता था तो सेंट्रल टीम जाती थी, उसके बाद वहां कोई काम ही नहीं होता था, क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल टीम नहीं थी। 77 लोगों की टीम बंगाल जैसे स्टेट में एक प्राइमरी लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड टीम बहुत अच्छी बन गई है। तो ये उनको गाइडलाइन वगैरह दे के बोल देंगे कि अब आप लोग आगे आगे जो है काम करिए, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को जो बढ़ाइए और जो टास्क रह गए हैं उनको पूरा करिए। नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि वहां के लोकल लीडर जो बीजेपी के हैं वही जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। इनकी सेंट्रल टीम अब डेफिनेटली फोकस करेगी साउथ इंडिया की तरफ, अपने लीडर्स को बनाना या किसी और आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके उसको जो है अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ाना। तो अब एक ही टास्क रह गया है साउथ इंडिया को जो है कैप्चर करना बीजेपी के लिए। और मैं समझता हूं कि डेफिनेटली उनके थिंक टैंक जो है, ऐसा नहीं है कि वो इस पे सोच नहीं रहे हैं। अगर सोच नहीं रहे होते तो इनकी टॉप टीम वहां पे भी इलेक्शन कैंपेन करने गई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर के अमित शाह वगैरह सारे लोग आप देखिए फुल फ्लैग उन्होंने कैंपेन किया था, रिजल्ट चाहे जो भी रहा हो। लेकिन हाँ, जब भी ये उसको फोकस में लेंगे तो तब्दीली ये वहां पे भी लाएंगे। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी सब जगह जीत रही है। देखिए है क्या, कोई अच्छा हो या बुरा हो, जिसके पास मैकेनिज्म है, जिसके पास सिस्टम है, जिसके पास इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी है, वो चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो, वो राज करेगा। राज करेगा मतलब वो चीजों को इंप्लीमेंट करेगा। आप ये देखिए, रावण था तो बुरा हमारे यहाँ रावण, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा राजा था, क्योंकि उसके पास ताकत थी, उसके पास हुनर था, उसके पास इंप्लीमेंट करने का तरीका था। तो जो ये चीजें, हुनर और ताकत कभी बर्बाद नहीं जाती है। फर्क ये पड़ता है कि वो किसी अच्छे इंसान के कब्जे में है कि किसी बुरे इंसान के कब्जे में है। जिसके पास हुनर रहा है, बीजेपी के पास अपने पास हुनर, ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम करने वाले एक सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छा डेवलप कर लिया है इंटरनल। आप ये देखिए, जहां कहीं नहीं होते थे, आज सारे डिस्ट्रिक्ट में इनकी ब्रांचेज हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, इनके वर्कर्स हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं मिलता था। तो इस डेवलपमेंट को बियॉन्ड चुनावी हार जीत के, इस अचीवमेंट को सर आप छोटा नहीं मान सकते हो। यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों को मैं ऐसी भी कंपनियों को जानता हूं कि जो लगातार डेडिकेटेड है, पैसा खर्च करते रहते हैं, प्रोफेशनल टीम रखी है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में अपना मटेरियल नहीं पहुंचा पाती है, अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवा पाती है। बहुत टिपिकल टास्क है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में। 6.5 लाख से ज्यादा गांव है सर, ये अमेरिका नहीं है कि जहां पे 400 किलोमीटर के बाद आपको एक छोटा सा टाउन मिलेगा, 25 घर होंगे और उनके बीच में एक शॉपिंग मॉल होगा। यहाँ तो कहावत है, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले बानी। क्योंकि आप सनातन को समझ रहे हैं तो ये कहावत सुन लीजिए इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले बानी। कोस होता है डिस्टेंस को नापने का, माइल जिसको बोलते हैं, कि 1 कोस पे पानी का टेस्ट बदल जाता है। ये फैक्ट है, आप कहीं पे भी जाके देखिए, हर 3-4 किलोमीटर के बाद पानी का टेस्ट बदल जाएगा। 4 कोस पे बदले वाली, और वाकई में 4 कोस अगर आप क्रॉस करेंगे तो लैंग्वेज में चेंज। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, मैं वहां पे भी रहा हूं। अगर आप कोल्हापुर साइड जाएंगे तो वहां की मराठी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, बॉम्बे की डिफरेंट होगी, आप विदर्भ साइड आएंगे डिफरेंट होगी। इवन यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लैंग्वेज टोन है हिंदी, वो डिफरेंट होगी, बोलने का तरीका डिफरेंट होगा। सेंट्रल में जाएंगे कानपुर लखनऊ की तरफ तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। फिर उधर आप जाएंगे बनारस के आगे बढ़ेंगे तो वहां पे टोटली डिफरेंट हो जाएगा। बिहार में भी यही है, बंगाल में भी यही है। तो ये हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज है सर। इसको मैनेज करना न किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, न जो है भाई इतना आसान होता है इंडिया की डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए। तो अंग्रेज इतना खर्चा क्यों करते हैं, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए मिशनरी स्कूल बनाया, ये सब किया। वो खुद ही यहाँ की सारी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं ना, हजारों लैंग्वेज पढ़ने में उन्होंने ये सोचा कि हमारी तो पीढ़ियां गुजर जाएंगी, हम तब भी इंडिया को समझ नहीं पाएंगे, यहाँ के लैंग्वेज को। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई चलो अपने काम के लिए क्लर्क वगैरह पैदा करो, उनको जो है अंग्रेजी पढ़ाओ। तो इसीलिए उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में बोला कि सब कॉन्टिनेंट अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिला दे, इतनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज में कि उनको समझ में नहीं आया कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो उन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दिया। थोड़ा टाइम लगेगा और डेफिनेटली चीजें जो है वो होगी, थोड़ा देखते जाइए आप कि एज ए एनालिस्ट की तरह आप देखते रहिए, बहुत लर्निंग मिलती है इंडियन पॉलिटिकल इलेक्शंस वगैरह जब होते हैं, इन सिस्टम को समझने में। और जो हम लोगों ने वॉर फिलॉसफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है कि कैसे विस्तार होता है साम्राज्य का या किसी भी चीज का या पोलिटिकल पार्टियों का, ये बड़ा खूबसूरत चीज है। अमेरिका में अब्राहम लिंकन को रेल से यात्रा इसीलिए करनी पड़ गई क्योंकि उनको समझना था, पब्लिक से कनेक्ट करना था। तो पब्लिक से कनेक्ट करना, और जहां पे हर स्टेट में अलग कल्चर हो, अलग लैंग्वेज हो, अपने आप में बहुत टिपिकल टास्क है। मैं चैलेंज करता हूं, ममता दीदी यूपी में आके इलेक्शन लड़े, केजरीवाल दिल्ली में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों नहीं हरियाणा में, बगल का स्टेट है, क्यों नहीं पंजाब में इलेक्शन लड़ा, क्यों नहीं यूपी में इलेक्शन लड़ा। तो ये सबके लिए इक्वली बहुत चैलेंजिंग जो है टास्क है, वो कोई भी लीडर हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे नेशनल पार्टी हो। मिश्रा जी, कोविड की तरफ आते हैं। अगर आप यूरोप और अमेरिकाज की सारी पॉपुलेशन को ज्वाइन करें तो इक्वल टू एक भारत की पॉपुलेशन, लेकिन हमने देखा कि अमेरिकाज और यूरोप में मिला के तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए कोविड से, जबकि भारत में 1 करोड़ 80 लाख हुए। अमेरिकाज में 18 लाख लोग मर चुके हैं कोविड से, भारत में 2 लाख, इक्वल पॉपुलेशन है। जब हम देखते हैं कि भारत में, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग क्राइसिस, और इसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, नॉट एट ऑल। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख लें तो Modi has failed to give relief to India. India failed. Indian health system collapsed. और ऐसी चीजें, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन जो सबसे बड़ा है वो आपके भारत के कुछ गंदे जर्नलिस्ट का है। जैसे खास तौर पे मैं नाम लूंगा राना अयूब का, जिसका इस वक्त 24 घंटे एक ही काम है कि इंडिया का एक नेगेटिव इमेज प्रमोट करें। आज वो क्रिश्चियन अमानपुर CNN की है, उसको इंटरव्यू में उन्होंने अपने दिल की खूब भड़ास निकाली। ऐसा लगता है कि कोई पाकिस्तानी ISI वाले बयान दे रहे हैं। टाइम मैगजीन को वो लिख रही हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स को लिख रही हैं, और 24 घंटे इनके अपीट्स देखे तो ऐसा एक इमेज पोर्ट्रेट कर रही है भारत का कि भारत तो मोदी जी ने बिल्कुल ही खड्डे में डाल दिया है और सब कुछ। जबकि मैंने कंपैरिजन बताया कि जब ये हालात थी कि हम लास्ट ईयर इंग्लैंड में यहाँ पे रोज के 4-4 हजार लोग मर रहे थे और ओल्ड हाउसेस के तो लोग मर रहे थे, तो उसको काउंट भी नहीं किया जाता था। यहाँ पे ग्रेवयार्ड पे जो जगह नहीं होती थी और तदफीन के लिए लोगों को जाने भी नहीं दिया जाता था, उनके पुरखों को करीब भी नहीं जाने दिया जाता था, उनकी लाशों को छीन के खुद ही खड्डों में डाल दिया जाता था। मुसलमान भी यहाँ पे बहुत परेशान था कि हमारे अजीजों की कब्र पर हमें खुद भी नहीं जाने दिया जा रहा और ये सब चीजें हुई। कोई मीडिया नहीं कह रहा था कि बोरिस जॉनसन फेल हो गया, बोरिस जॉनसन रिजाइन करे, जैसे कि भारत में ट्रेंड चला रहे हैं कि रिजाइन मोदी। कोई नहीं कह रहा था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प फेल हो गया है और अमेरिका का इनके हेल्थ केयर सिस्टम जो कि पूरी दुनिया को लूट के, ये इंग्लैंड और यूरोप तो पूरी दुनिया में कॉलोनियल पावर थी, पूरी दुनिया को लूट के इन्होंने अपने यहाँ के जो सिस्टम बनाए थे, इतने हॉस्पिटल्स, डेवलपमेंट, सब कुछ, इसके बावजूद NHS जो कि यहाँ का नेशनल हेल्थ सिस्टम है वो फेल हो गया था, कोलैप्स हो गया था। इसके बावजूद हमने कई मीडिया में ऐसी मूवमेंट नहीं देखी, मीडिया इनकरेज ही कर रहा था यहाँ की गवर्नमेंट्स को ये वो। फिर आप लॉकडाउन को देखें, यहाँ पे जो हम अभी तक पार्शियल लॉकडाउन में है, 1.25 साल हो गया है, स्मॉल बिजनेसेस खत्म हो गए, कॉमन जो छोटी जॉब वाले लोग हैं वो तबाह हो गए, फिर भी मीडिया का वो रोल नहीं देखते। भारत के हवाले से हम मीडिया का जो इंटरनेशनल और लोकल मीडिया का रोल देखते हैं, क्या ड्रामा है ये? देखिए, इंटरनेशनल और लोकल में दोनों को एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो हम बचपन में अपनी किताब में पढ़ते थे। जो आपने बोला ना कि सब लोग इंडिया की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, ऐसे ही कोई देश जो है इतना खूबसूरत या महान नहीं बनता है। कहानी यह है कि एक नदी में एक साधु, एक मॉन्क नहा रहे थे, एक बिच्छू बहा जा रहा था और जान बचाने के लिए फड़फड़ा रहा था। उन साधु महोदय ने, उन मॉन्क ने क्या किया, उस बिच्छू को अपने हाथ पे ले लिया ताकि वो डूबे नहीं, और बिच्छू ने डंक मारा, उनके हाथ से छूट गया, फिर उन्होंने ले लिया, फिर डंक मारा, फिर छूट गया, यही प्रक्रिया चलती रही। तो एक आदमी ने उनसे बोला कि ये बिच्छू आपको जहरीला डंक मार रहा है, आप इसको क्यों बचा रहे हैं? बोले कि मैं इंसान हूं, मैं सनातनी हूं, मेरा धर्म ये बताता है कि कोई डूब रहा है तो उसकी जान को बचाओ, किसी की जान की आफत अगर है तो उसको मदद करो, उसकी जान बचाओ, और बिच्छू का धर्म है डंक मारना। ठीक है, मैं अपना धर्म कर रहा हूं, वो अपना धर्म कर रहा है, लेकिन मैं इसकी जान बचाऊंगा। उन्होंने उसकी जान बचा ली। तो यहाँ पे जो विदेशी मीडिया है उनका रोल भी यही है साहब। जब अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह फैला था तो हमने इनको जो है दवाइयां भेजी, किसी ने हमसे मांगा नहीं था, हमने अपने आप जो है दवाइयां भेजी। थैंक्स गॉड हमारे साथ, भारत के साथ अभी भी बहुत सारे ऐसे देश खड़े हैं जो कि हमें मदद कर रहे हैं। हमारा अपर हैंड सिविलाइजेशन और ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा रहा है। आज अगर हम प्रॉब्लम में है, देखिए महामारियों का कॉन्सेप्ट ये रहा है कि जब ये दैवी आपदा, प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, रोम में आया था, ग्रीक में आया था, 10 साल का आप इतिहास। और मजे की बात बताऊं, चाइना में जहां से ये शुरू हुआ था, आज के 5000 साल पहले सबसे पहला, 5000 या 10000 साल पहले सबसे पहला जो महामारी हुआ था ना, वो भी उसी जगह से पैदा हुई थी। ये आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको मिलेगा। हमने सबको मदद की जब हम उस कंडीशन में थे, और मदद हमें आ भी रही है। हमने इंटरनल भी मदद की, हमने बाहरी देशों को भी मदद की। ये हमारा धर्म है, ये हिंदुस्तान का, ये सनातन का धर्म है, हम करते रहेंगे, हम हर काल में करते रहे, हजारों साल से करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। दूसरी चीज, जो लोग ये कर रहे हैं उसके लिए मैंने आपको बताया साहब, ये अपने आप के भी नहीं होते हैं। अगर इनको भी बुखार हो जाएगा ना तो ये अपने घर वालों को भी, अपने माँ बाप को भी गाली देना शुरू कर देंगे। ये अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को भी गाली देना शुरू कर देंगे। मैंने बोला सोसाइटी में हर तरीके के लोग रहते हैं। इस वक्त मुत्तहिदा होके, एक होकर के, यूनाइटेड वे में इससे लड़ने की जरूरत है। अब हम दूसरे पैरामीटर पे आते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। जो आपने डाटा बताया, भारत में पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी देखिए कितनी ज्यादा है। भारत में लोग ज्यादा सोशलाइज हैं, शादियां वगैरह हर चीज हमेशा होती रहती है, रैलियां अभी हुई। यहाँ पे इंफेक्शन फैलने के चांसेस मेनी फोल्ड ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ USA वगैरह, जहां पे कि फैमिली कल्चर ही आइसोलेटेड रहने का है। वहां इतनी भीड़ नहीं होती है, एक तो पॉपुलेशन नहीं है, और इतनी आइसोलेशन के वहां कोई पर्पज नहीं होता है कि शादी ब्याह। यहाँ तो कभी जगराता चल रहा है, तो कभी भंडारा चल रहा है, आज मंगलवार है तो जी हनुमान जी का भंडारा चल रहा है, तो कभी कुछ चल रहा है। तो क्राउड यहाँ पे बहुत तेजी से कलेक्ट होती है। एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी है, और क्राउड कलेक्ट होने के रीजन भी है। इतना रिस्क होने के बाद भी अगर इन्फेक्शन का रेट इतना कम है तो ये एक क्या भगवान का चमत्कार मैं बोलूंगा, हमारी सभ्यता की खूबसूरती है। और ये कहां से आती है, इसका एक साइंटिफिक रीजन बताता हूं। हजारों साल पहले किसी भी इंडिया का जो ओरिजिनल फूड है, जो हर घर में सबसे ज्यादा डेली यूज किया जाता है, वो दो चीजें हैं आरिफ जी, एक है राइस चावल और दूसरा है पल्स दाल। ये आपको बड़ा अजीब लगेगा जान के, लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट है कि क्यों हमारे पूर्वजों ने, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, राइस और जो है दाल को, पल्स को एज ए मेन कोर्स ऑफ फूड किया है। आप इंडिया में किसी भी होटल में चले जाइए, खाने में चावल और दाल तो होना ही होना है, बिना उसके खाना होता नहीं है, और दोनों टाइम तीनों टाइम होगा। यही चीज साउथ इंडिया में चावल तो नहीं होता है, लेकिन जो इडली बनती है वो राइस से बनती है, और सांभर जो बनता है वो दाल से बनता है, यानी बेसिक इंग्रेडिएंट आपको राइस और दाल मिलेगा। अब इसका साइंटिफिक आप ढूंढिएगा, आपको मिलेगा, और ये फैक्ट है। चावल और दाल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके जीन्स को, यानी एमिनो, दाल में एमिनो एसिड्स होता है ना, दाल में, दाल तो पूरे जो है एमिनो एसिड्स ही होते हैं, ये आपके जो जीन होते हैं वो भी एमिनो एसिड से अल्टीमेटली बने होते हैं। बदलते हुए माहौल के हिसाब से, स्पेशली वायरस, बैक्टीरिया, इन सब को लड़ने के लिए शरीर आपके अंदर क्या चेंज आए, जेनेटिक कोडिंग में क्या चेंजेज हो, यही एंटीबॉडी वगैरह के लिए जो हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, चावल और दाल का कॉम्बिनेशन आपको अंदर से चेंज करता रहता है, माहौल के हिसाब से जो है बचाता रहता है, आपको चेंजेस करता रहता है। भारत देखिए, कई बार महामारी ऐसी आई, सभ्यताएं खत्म हो गई, वार में खत्म हो गई या महामारियों के कारण, इंडिया बचा रहा। उसके पीछे कई रीजन है, कई रीजन। एक बड़ा खूबसूरत रीजन आपको बताता हूँ, विजडम ऑफ आवर, मतलब हमारे फोरफादर्स जो रहे हैं, हमारे पूर्वज, उनके विजडम देखिए। वेस्टर्न कंट्रीज में सेंट्रलाइज्ड है, मतलब महानगर बने हैं, न्यूयॉर्क ये वो, वहां गांव में कोई नहीं रहता है। भाई अगर हम इतने बड़े बड़े पूरे पहाड़ को काट के मंदिर बना सकते थे, तो क्या बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हम नहीं बसा सकते थे? आज के 10,000 साल पहले बसा सकते थे। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे किया, कितनी खूबसूरत चीज है, और ये महामारी से रिलेटेड चीज है सर, आज तक किसी पैनल या डिबेट में नहीं सुना होगा। सोशल जो डायनामिक्स या सोशल नॉर्म होते हैं, कितनी समझ थी। हमने महानगरों को कभी प्रिफर नहीं किया जब तक इंडियन कल्चर था। हमने पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने गांव में ज्यादा फोकस किया, और गांव में भी इस हिसाब से फोकस किया कि सेम काम करने वाले लोग एक अलग उसमें रहेंगे एरिया में, एक डिफरेंट काम करने वाले लोग अलग रहेंगे, डिफरेंट काम करने वाले लोग अलग रहेंगे, क्योंकि उनके काम, उनकी लाइकिंग और जो मटेरियल यूज करते हैं वो अलग अलग होते हैं डे टू डे लाइफ में। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर कोई चीज हानिकारक आ गई, वायरस या बैक्टीरिया, तो एक कंटेन्ड एरिया में रहे, वो सब जगह ना फैले। और इसी कारण पहले जो महामारी आती थी, जिसमें बहुत सारे देश साफ हो गए, उसमें हम बचे क्यों रह गए? कोई भी महामारी इंडिया को कभी पूरे तौर से अफेक्ट नहीं कर पाया, चाहे वो इन्वेजन की, आक्रमणकारियों की महामारी हो। मैंने आपको बताया, दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते उनका जो है एड़ी का पसीना चोटी पे चढ़ जाता था, उनका दम फूलने लगता था और तलवार रख देते थे और फिर भोग और विलास में मस्त हो जाते थे, मतलब ऐशो आराम करना शुरू कर देते थे। तो इतना डाइवर्सिफाइड, इतना सिस्टमेटिक हमने इंडिया को बसाया है। ये कुछ ऐसे सोशल फैक्टर हैं और पुराने टाइम से हैं, ये इसमें भारत सरकार या करंट गवर्नमेंट की या अंग्रेजों की या मुगलों की देन नहीं है। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया कि पॉपुलेशन को कैसे बसाया जाए, नगर की परिकल्पना कैसे करें, क्यों गांव में बसाया गया, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है, ताकि ऐसी आपदा में बचे रहें। हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन हजारों साल से, लाखों साल से बची रही, तो उसके एक पीछे कारण ये भी है कि किसी एक एरिया में बहुत बड़ा भूकंप आ गया तो सारा पॉपुलेशन एक जगह कंसंट्रेटेड हमने नहीं रखा। बाढ़ में कुछ पॉपुलेशन खत्म हो गई, लेकिन दूसरी जगह की पॉपुलेशन बची रही, और सारे पॉपुलेशन को होमोजीनियस कल्चर, होमोजीनियस कल्चर मतलब जो रिचुअल्स है, जो मंत्रास है, जो डे टू डे लाइफ में करना है, जो नॉलेज है, वो इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, नॉर्थ इंडिया में ऐसी कोई अगर महामारी आ जाए, यहाँ पे सारी चीजें अगर खत्म हो जाए, तो सारी परंपराएं तो साउथ इंडिया में जिंदा रहेंगी ना, उड़ीसा में जिंदा रहेंगी ना, महाराष्ट्र में जिंदा रहेंगी ना, तो फिर से वो जिंदा हो जाती है। तो भारत जो अविभाज्य है, भारत कभी कॉन्कर नहीं किया जा सका, यहाँ की संस्कृति कभी कोई मिटा नहीं पाया, उसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों का जो है वो विजडम था। हमने लोगों के दिलों को जीता, हमने लोगों को सही तरीके से रहना बताया और ऐसा सिस्टम दिया जो अभेद्य है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है, जिसका नाश या विनाश वैनिश कोई नहीं कर सकता है। अंग्रेज आए चले गए, मुगल चले गए, जिसको और आकर के देखना है वो और आकर के देख ले, कोशिशें कर ले, वो यहाँ पे खत्म करना बहुत मुश्किल है। तो ये एक कुछ ऐसे सोशल डायनामिक्स हैं, सोशियो इकोनॉमिकल डायनामिक्स हैं। और एक खूबी मैं आपको बताऊं भारत के सर्वाइवल की क्या रही है, लोग बोलते हैं कि फन्ने खा बने रहते हैं इकोनॉमी के मामले में। ठीक है, हमें वेस्टर्न कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़े अच्छे लगते हैं। भारत का एक एक गांव, एक गांव 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में बसा होगा, इससे ज्यादा नहीं बसा होगा। एक गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट पूरा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट था और है। मैं आपको बताता हूं कैसे था। गांव जब होता था तो उस गांव के लोगों को जितनी चीजें चाहिए सब वहीं पे मिल जाती थी। आपको गोल्ड स्मिथ चाहिए, लोहार चाहिए, ब्लैक स्मिथ चाहिए, बार्बर चाहिए, बाल काटने वाला चाहिए, वैद्य चाहिए, डॉक्टर चाहिए, एग्रीकल्चर मजदूर चाहिए, वो सब उस गांव में होते थे। और गांव के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती थी वो सब 10-15 किलोमीटर के एरिया में मिल जाते थे। इसके पीछे मैं रीजन आपको बताता हूं और एग्जांपल। नॉर्थ इंडिया में फूड कुकिंग का जो ऑयल है, जो मीडियम है, वो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल। साउथ इंडिया में कुकिंग का जो बेस है, जो ऑयल है, वो है नारियल है, कोकोनट ऑयल है। महाराष्ट्र में ग्राउंडनट ऑयल है, मूंगफली का तेल या शेंग का तेल। तो लोकल ये हमारे पूर्वजों ने किया कि भाई आपके यहाँ मस्टर्ड ऑयल नहीं होता है तो जरूरी नहीं है कि आप मस्टर्ड ऑयल इतनी दूर से मंगा करके आप उसको करिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसी का होता है, उन्हीं का होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या बल्कि इंडिया ने तो ऐसा सिस्टम डेवलप किया था, माइक्रो इकोनॉमिक सिस्टम, माइक्रो फाइनेंसिंग सिस्टम, माइक्रो सर्वाइवल सिस्टम, कि एक गांव में भी अगर कोई महामारी आती थी तो गांव का सिस्टम ही अपने आप में सक्षम होता था उसको मैनेज कर लेने के लिए। कोई आपदा आती थी, आपको पानी चाहिए, और गांव ही क्यों, हर घर अपने आप में एक माइक्रो इकोनॉमिक सिस्टम होता था। हर घर के पास अपना कुआं होता था या 4-5 घरों को मिला के एक कॉमन कुआं होता था। हर घर के पास अपना एग्रीकल्चर होता था। आज हम दूध खरीदते हैं, हर घर के पास रिक्वायर्ड जो पशु होते थे, बैल होते थे खेती करने के लिए, दूध के लिए, वो हर घर में 1-2 गाय और भैंस होती थी। तो इतना खूबसूरत इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं पे माइक्रो लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है सर। आज सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी दुनिया में आज जो इकोनॉमिक सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हाथ खींच ले या गवर्नमेंट एजेंसीज हाथ खींच ले, आपने अभी बोला अमेरिका की जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है वो फेल हो गया। हाँ, लेकिन इंडिया में नहीं, इसके पहले भी महामारियां आई थी। मिस्र वगैरह आप देखिए, 10-15 सालों में उनका पूरा कल्चर ही इन्वेजन के कारण चेंज हो गया। बहुत सारे ऐसे देश चेंज हो गया, इंडिया का नहीं हुआ। तो जो हमारे प्रिंसिपल हैं सर, जो हमारे रूट हैं, ये उनकी खूबसूरती है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। वो चाहे बाहर की जो मीडिया है वो हो, चाहे अपने अंदर के यहाँ जो बोलने वाले हैं और खिलाफ बोलने वाले हैं, उनको ये तो दिखाई नहीं देता है कि ठीक है आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं मानता हूं कि आप एक बहुत कमजोर हैं, आप पैसे से या दवा से मदद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम विचार से तो मदद कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जान को बचा लीजिए, ये सबसे बड़ी मदद होगी ना। आप इन्फेक्शन को पाइए, मतलब आप इन्फेक्टेड भी मत होइए, और जब आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे तो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन आप फैलाएंगे भी नहीं, तो चैन तो ब्रेक होगी ना। अगर हर आदमी अपने आप को इन्फेक्शन से बचा ले तो चैन डेवलप ही नहीं होने पाएगी। तो मैं तो प्रार्थना यही करूंगा कि इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। अभी से नहीं, भारत के खिलाफ हजारों साल से बहुत प्रोपेगेंडा हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और इन सब के बातों में हम आने वाले नहीं हैं। हमें पता है इनकी कॉन्स्पिरेंसीज, इराक और ईरान में इन्होंने कैसे लड़ाई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका का पता नहीं कौन सा एक अखबार है, उसने निकाला कि भाई एक डिस्प्यूटेड एरिया था ईरान इराक में, कि यहाँ इतना तेल है कि दुनिया में तेल ही नहीं है। दोनों में लड़ाई हो गई। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद फिर जी यूनेस्को आया बीच में, चलो जी ये करके, हाँ, फिर एक संस्था बैठाते हैं, खोज करेगी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मिला अमेरिकन गवर्नमेंट की, अमेरिकन कंपनी को, मोटा पैसा लिया, और जब उसने खोज की, ड्रिलिंग की, तो बोला यहाँ कुछ है ही नहीं। वो खबर भी पहले प्लांट की गई थी अखबार में, और उस अखबार को देख करके पूरी दुनिया में तहलका मच गया दोनों। तो ये वॉर के पीछे की भी होती है कि अपने हथियार बिके, अमेरिका ने खूब हथियार बेचे। एटलीस्ट एक कॉमन इंडियन के पास, हमारे जैसे छोटे आदमी को जब इतनी सद्बुद्धि है सर, ये ठीक है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। मेरे जैसे लाखों करोड़ों भारतीय दे आर नॉट कन्विंस्ड। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में, हम लोगों शास्त्र तो छोड़िए सर, लोकोक्तियां जो गांव में है, वहां एक कहावत है कि हाथी चली जाती है और कुत्ते भौं भौं करते रहते हैं। तो हमें पता है भारत को क्या करना है, भारत को क्या करना था, भारत इसको जानता है, भारत को अभी क्या करना है वो जानता है और आगे भी भारत को जानता रहेगा। शोर मचाने वाले उनको आप मचाने दीजिए, वो हमारे कानों पे असर पड़ने वाले नहीं है सर। हमने हजारों महामारियां, हजारों मानवीय दुखों को, आक्रांताओं को सक्सेसफुली मैनेज किया है और कोविड को भी भारत की जनता, भारत की पक्ष और विपक्ष की सरकारें बहुत सक्सेसफुल तरीके से मैनेज करेंगी। कोई भी आदमी किसी को मदद करने से यहाँ पे मना नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी जिससे जितना हो सकता है वो मदद कर रहा है, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन की लिमिटेशन होती है, वो हजारों साल का ये इतिहास है। तो यहाँ पे भी लिमिटेशन है, ठीक है। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि भाई एक भी जानवर की, इंसान की, यानी जो जीव है, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, भगवान करे वो अपनी मौत मरे, वो अपनी पूरी जिंदगी जो है पूरा जी के मरे, दुख और कष्ट से क्यों मरे, पिंजरे में कोई जानवर क्यों मरे, आदमी घर में कैद होके क्यों अपनी जिंदगी बिताए। हमारी ये फिलॉसफी है और प्रभु भी हमारे साथ रहेगा, भगवान भी देखिए मदद करेगा। और हम अगर फर्स्ट फेज को हम सक्सेसफुली मैनेज कर ले गए हैं तो सेकेंड फेज को भी मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक अजीम देश है जो कि सदियों से कायम है और सदियों तक कायम रहेगा और बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे इस देश ने, लेकिन आज भी भारत दुनिया के नक्शे पे जगमगा रहा है और हमेशा जगमगाता रहेगा। मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने बड़ा डिटेल में दलीलों के साथ आपने जो अनबायस्ड एक तबसरा दिया है, मुझे यकीन है कि दर्शकों को ये पसंद आएगा, क्योंकि टीवी पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक चैनल की पॉलिसी होती है जिसको फॉलो करते हुए हर चीज खुल के नहीं बताई जाती, लेकिन आपने खुल के हर चीज बताई है। वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी एजुकेटिव। Thank you very much, sir, for joining. Thank you, sir. Thank you. Please keep in touch. Thank you, sir. तो दर्शकों, आपने देखा कि मिश्रा जी ने बड़ी डिटेल में इलेक्शंस की पॉलिटिक्स, खासतौर पर बंगाल, तमिलनाडु वगैरह के हवाले से जो चीजें इन्होंने बताई, वो आपको इतना अनबायस्ड तबसरा, इतना अनबायस्ड एनालिसिस कहीं और नहीं मिलेगा। और ये जरूरी होता है कि हम अनबायस्ड होके, ना तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह सोचना शुरू कर दें, ना एंटी बीजेपी और दीगर चीजों पे सोचें। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस देश की अजीम चीजों को। फिर कोविड के हवाले से उन्होंने जो चीजें बताई, भारत की जो कल्चरल स्ट्रेंथ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो सिस्टम जो कि घर से शुरू होता है तो गाँव और फिर शहर और फिर स्टेट तक जाता है और फिर पूरे देश में, ये सारी चीजें बताएं। इसके अलावा जो मेन चीज है इस सारे उसमें हम ये देखते हैं कि भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इसकी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके इलेक्शंस पे कभी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, कोई उंगली नहीं उठाई। मोदी जी इलेक्शन जीते 2019 का, तो भी किसी ने रिग्ड इलेक्शन नहीं कहा। मोदी जी की पार्टी बंगाल में हार जाती है, तो भी किसी ने नहीं कहा कि रिग्ड इलेक्शन है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्रीज पीपल। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।